दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी। आज 10 मई वही रात 8 बजे हम शूट शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम हमारा पंच का चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। मैं फिर आपको बता दूं, सीएलसी ने नीट 2013 से 2019 के प्रीवियस पेपर के टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन फिजिक्स अपलोड किया, केमिस्ट्री अपलोड किया, बायो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, जो अगले दो दिन में यानी आज 10 तारीख है, 14 तारीख आते आते वो भी अपलोड हो जाएगा, जो हमारी सीएलसी सीकर यूट्यूब पेज पे पड़ा है। इसके अलावा मैं बता दूं, हमने फिजिक्स के 20 टॉपिक बना रखे हैं फिजिक्स पंच के नाम पे। प्रत्येक टॉपिक में राउंड फिगर 45 क्वेश्चन है। पहला टॉपिक था यूनिट डायमेंशन का, दूसरा फिर था 1D वगैरह का, तीसरे में आपका NLM आ गया, चौथा आज वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन है। ये बिल्कुल नीट बेस्ड क्वेश्चन है, जिनका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, उसके आसपास की थ्योरी भी डिस्कस किया जा रहा है, ताकि ये आज 10 मई है, ये आपके पास 12 मई तक आएगा। जब 12 मई को आप देख रहे होंगे, 26 जुलाई को नीट का एग्जाम है, दोस्तों हमारे पास करीब 70 दिन होंगे। मैं एक बात याद दिला दूं, रहे पैनिक नहीं हूं, 2016 में नीट 24 जुलाई को हुआ है। राजन चौधरी जब मेरा टॉपर बच्चा आज भी याद हो, जो मोहन आजाद में आज लड़का 24 जुलाई को हुआ था 2016 में भी, इसलिए कहीं को पैनिक नहीं हो। उस समय पेपर आउट हो गया था, कोरोना क्या फर्क पड़ता है, अब प्लस है, उस पेपर आउट था, लॉकडाउन नहीं था, अब लॉकडाउन है, बहुत शांति घर में पढ़ाई करो अपने। बाकी एक बात बार बार कह रहा हूँ, आप clclive.in पे अपने आप को खेलना सीख लो, वहाँ इतने सारे पेपर पढ़े, इतने पेपर पढ़े हैं हमने, सारे पेपर्स को, वैसे आप जानते हो किसी भी कोचिंग के पेपर को एक बार सबमिट कर दो ना, वो दोबारा ओपन नहीं होता है, लेकिन हमने बच्चों के लिए हमारे पेपर को ओपन कर दिया। आप कम से कम 4 बार अपने पेपर को दे सकते हो, जाओ पेपर सबमिट करो, प्रैक्टिस करो। बहुत से बच्चे कह रहे हैं बस क्या पढ़ें, तो जो अपने आप को टॉपर मानते हैं उसकी तो एग्जाम होगी 3 मई को, सिलेबस हो चुका उनका, तो वो थ्योरी पढ़ने की बजाय, बट टॉपर से कोई अलग से बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई हो चाहे टॉपर चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन निकालें, फिर जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसको जाके ढूंढें एनसीईआरटी से। दोस्तों 70 दिन है राउंड फिगर में, आज मान लो आप 12 मई को, 13 मई को सुन रहे हो मेरे को, एक दिन में एक टॉपिक तैयार कर सकते हो। 70 टॉपिक ही होते हैं दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के अंदर, 70 होते ही नहीं है, कोई भी कोचिंग 17 टॉपिक बनाता सर, 68 टॉपिक होते हैं, एक दिन में एक टॉपिक तैयार करना है, कुछ तो पूरी पढ़ाई होगा यार। 650 नंबर लाना इस बार नीट में बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से करें यार। ओके, बात शुरू करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें भाई, पढ़ लिया, टॉपिक का वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन। दोस्तों अगला साफ कहता है कि इसमें आपके द्वारा इतना यहां से यहां तक जाता है तो प्राप्त ऊर्जा, एक ही बात है, ऊर्जा बोलो कार्य बोलो कि खास फर्क नहीं है। दोस्तों कार्य का सिंपल फॉर्मूला तो होता है W=F.D, लेकिन ये तो तब होता है जब कांस्टेंट फोर्स होता है, ध्यान देना, W=FD सबसे सिंपल फॉर्मूला है, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, बट वो तब लागू होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। यहां आप खुद कह रहे हो भैया F=KX, के कांस्टेंट है, एक्स इज वेरिएबल डेटा, सो आवर फोर्स इज आल्सो वेरिएबल, तो हमें जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है ना दोस्तों, मोटी सी बात है, उसको क्या कर दो, इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट करके जोड़ दो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका जो कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, यदि उसमें कोई डेटा वेरी हो जाता है तो इनिशियल से फाइनल तक कहां से कहां तक गया उसको कर दो, बेसिक बात पहले पड़ी। चलो आओ तो मैं आपके पास शुरू करता हूं। अगला साहब कहता है F=KX से कोई बल है, उससे एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, X0 से X3 तक गति प्राप्त करने में ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों ऊर्जा कितनी होगी, एक ही बात है, आप कार्य कहें ऊर्जा कहें, ओके डियर, ये तेरा क्या है F dx, कहां से कहां भाई, X1 से लेके X2 तक, ठीक है डियर। आगे चलो, आगे चले तो आ जाओ, F क्या है भैया तेरा, KX, DX, कहां से कहां लड़के, X1 से लेके X2 तक, ओके। अब इंटीग्रेशन तो सीख गया होगा अब तक यार, K को बाहर निकाल ले, निकाल लिया, अब तू जानता X की पावर 1, अरे यार तू बता दो ले यार, XN+1/N+1 होता है ना, तो 1+1 क्या हो गया, 2/2 आ गया लड़के, 2² / 2 कहां से कहां रहे, 0 से 3, देख अपर, अब जानते हो ना अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर का मतलब क्या है, इसका 3 रखे तो तेरा क्या होगा 9/2 और माइनस क्या है 0, 9 में 2 का भाग दे 4.5, ये ले 4.5 आंसर आ गया। राजी फिर सुन ले, ज्यादा बुद्धि मत लगा, कार्य का वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, वो तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट है, जैसे ही वेरी करता है इंटीग्रेट करते, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2,
इसको देखो, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन बोर्ड पे पूरी करनी पड़ती है। ये कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इजी कैसे होते हैं। देखो ये प्रश्न पढ़ लो, आप लोग पढ़ लिया ना, अब इसकी भाषा सुन लो क्या है। वो कहता है एक आदमी है, एक लड़का है, लड़के का द्रव्यमान आदमी के द्रव्यमान से आधा है, अगला साहब कह रहा है, और आदमी की गतिज ऊर्जा है वो लड़के की कैलोरी से आधी है, एक कंडीशन होगी। फिर वो कहता है यदि आदमी अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा ले सेकंड केस में, तो दोनों की काइनेटिक बराबर हो जाती है। बस आ जा भैया पेज खाली कर। फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, ये मैन है, ये बॉय है। अगला साफ कह रहा के एम इक्वल टू हाफ के बी, बी फॉर बॉय एम फॉर मैन, एक बात होगी। आ जा अब मेरे साथ हो जा, एम एम वी एम का स्क्वायर हाफ हाफ एम बी और वी बी का स्क्वायर। अगली कंडीशन क्या थी रे, एम बी इक्वल टू क्या था, एम एम अपॉन टू। देखो मैं 1 2 काम नहीं लिया, 1 2 फिर भूल जाओ, हु इज 1 हु इज 2, एम फॉर मैन बी फॉर बॉयज। आ जा भैया, तो तेरे सामने हाफ ये तेरा एम एम, ये तेरा माई पुत्र वी बी स्क्वायर, ये 1/4, जहां एम बी है वहां एम एम बाई 2, फिर एक 2 आ गया देख, ओके वी बी स्क्वायर। देख एक 2 किससे आया, बाहर से, ये 2 किससे आया, फॉर्मूले से, ये 2 किससे आया, ए ले बिडू इसको टिका दे, ये एम एम से टिका दे तेरे सामने, ठीक है, और ये तेरा सॉरी वी एम, ये तेरा वी एम, सॉरी ये तेरा वी एम, तो तेरे सामने सामने है वी एम इक्वल टू वी बी अपॉन 2, बोल हाँ या ना। देख वी एम स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बाई 4 रूट करेगा ना, तो वी एम बटे वी बी बाई 2। ये दोस्तों पहला केस हो गया। आजा सुविधा है तो कलर चेंज करके मस्ती करते हैं। अब कहता व्यक्ति अपने स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है तो काइनेटिक इक्वल हो जाती है, वो तेरा ये मैन, ये तेरा बॉयज, ए लड़के, मास ऑफ एम, पहले व्यक्ति की स्पीड क्या है वी एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ जा भैया हाफ तेरा एम बी, बोल 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 वी बी का स्क्वायर। मैं तो कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा मेरे एक डायलॉग है, तेरे को यदि हिंदी इंग्लिश पढ़नी आती है ना तो फिजिक्स आती है, फिजिक्स उसी को नहीं आती है जिसको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। तो फिजिक्स सीखने के लिए सबसे पहले भाषा पढ़ना सीख ले भाई। देख हाफ से हाफ टिका दे, ये तेरा एम एम वी एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाट इज एम बी, याद कर एम एम बाई 2, लड़का तो वही है ना, वाट इज वी बी, ये रहा वी बी की जगह 2 वी एम, ए उसका स्क्वायर है तो 4 वी एम का स्क्वायर। देख एम से एम टिका दे, कैंसिल आउट कर दे, इससे ये कैंसिल आउट कर दे, तो तेरे सामने क्या आ गया वी एम प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 वी एम स्क्वायर, रूट कर ले मेरे यार, वी एम प्लस 1 ये तेरा क्या हो गया रूट 2 वी एम। ऐसा कर रूट 2, रूट 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 1.4 है, 1 से बड़ा है इसलिए बड़ा करना पड़ेगा, वी एम उसको इधर ले जा, वी एम एक इधर रहेगा, वी एम कॉमन आउट कर ले, तो दोस्तों आंसर आ गया 1/√2 - 1। क्वेश्चन आजा फटाफट, क्वेश्चन आजा, ये रहा 1/√2 - 1, बोल कैसी रही बता, कहाँ मुश्किल है, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इस क्वेश्चन में आप पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया आ जाओ। देखो दोस्तों v और t के बीच कर्व है, वेलोसिटी और टाइम, तो स्पष्ट है यार जब समय 0 है तो वेग आपका 10 है। देखो इसका अर्थ तो क्या है, इसका भाव समझना। देखो यहाँ ये मतलब क्या है, एक गाड़ी है, ध्यान दे मेरी तरफ, एक गाड़ी है, इनिशियल स्टेज पे इसकी स्पीड 10 है, अब 10 से इसकी स्पीड कम हो रही है तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगते 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 गाड़ी ऐसे रुक गई, कहां तक रुक गई रहे इस समय तक, फिर दोस्तों गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई और इधर बढ़ गई, क्योंकि वेलोसिटी किस में आ गई, माइनस में। ये तरीका है इसका, ठीक है डियर, कार्य करना पड़ेगा ना, गाड़ी इधर जाए चाहे गाड़ी उधर जाए, कार्य अधिस राशि है भाई, वर्क इज वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो इससे बात पले पड़ गई कि भाई 0 सेकंड पे आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड पे आपकी वेग स्पीड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्लियर। अब दोस्तों साहब कहता है कि इसके द्वारा किया गया वर्क बताओ। देखो दोस्तों वर्क का जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता होता डेल्टा के, ये गांठ मान ले पे, बस इस टॉपिक की जान है, इट कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, बस डेल्टा, ओ लड़के डेल्टा का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का बाईजी चोटी बांध ले, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बता इससे आसान क्या हो सकता है, बस आ जा W इक्वल टू 1/2 m, बाहर ले ले, V फाइनल क्या है,
जब तेरे लिए कर दूँ 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तेरे लिए सही कर दूँ यार। मैं ये मानता हूँ मेरे सामने हर तरह बच्चा बैठा है, ये तेरा 400 माइनस हो कितना बचा भैया 300। एम की वैल्यू क्या है, एम तेरा 2 kg है, ले कट गया, आंसर क्या आ गया दोस्तों 300 आ गया। अब प्लस या माइनस, तो प्लस आएगा, सीधी सी बात ये है, क्योंकि आपके सामने डब्ल्यू इक्वल टू हाफ वी एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ध्यान देना क्लास, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के जान है इस टॉपिक। ओके थैंक यू। हाँ डियर, मैं जिस क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहा था, मैं आपसे देखो सुनो, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के मतलब परिवर्तन, फाइनल माइनस इनिशियल। और एक बात और सुनना, देखो यहां एक चीज और बता दूं, आप एक बात जानते हो के प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बोलो हाँ या ना। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, 0। तो डेल्टा के इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। तो इसको दोस्तों डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू भी कह सकते हो आप, क्लियर। अब आप आगे चलो, अब डियर एक हमारे डब्ल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डॉट डी, ऐसे फॉर्मूला होता हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, और यदि फोर्स वेरिएबल हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। मेरी बात प्ले पड़ रही है? तो ये हमारा एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट फोर्स पे है तो इजी अप्रोच हो जाएगी, फोर्स वेरिएबल है तो वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया है इसी वीडियो के अंदर। अब चलो आगे चलता हूं, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के कहां से आया, आ जा भैया, चल ले मिटा दूं, एक बार साफ कर लूं मैं बोर्ड को, आ जा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आता है ना, अरे यही बात है, आ जा। हाफ एम से मल्टीप्लाई कर, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर, एले बिडू हाफ 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 कैंसिल आउट, ठीक है ये तेरा m है तो ये तेरा क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी सॉरी काटना नहीं, हाफ ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कौन है e फाइनल, e इनिशियल प्लस क्या है एम ए एस, एम ए एस भूल गया क्या, अरे खुशी हो रही है ना, झूम जा f एफ डॉट एस, दिस इज वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या है e फाइनल माइनस e इनिशियल, क्या बन गया डेल्टा के आया। हर चीज का लॉजिक है, ठीक है फिर सुन ले, टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस है, यहां एफ कांस्टेंट है तो बहुत इजी है दोस्तों, जैसे एफ वेरी करता है इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां इनिशियल से फाइनल, आगे क्वेश्चन आएंगे देखते जाएंगे। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोस्तों पावर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा एक पावर का सिंपल फॉर्मूला देख लो। वैसे नॉर्मली दोस्तों हम सब पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई टी कहते हैं, जूल पर सेकंड वाट को हम पावर कह देते हैं, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट एस बाई टी, एस डॉट दोस्तों वी होता है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एफ पी इक्वल टू, ये इसमें काम आए कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट ये मेरे को दिमाग में आ गया, पी इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट होता है प्रोडक्ट, वो क्या पावर की, पावर तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये वेक्टर, ये वेक्टर उसके बीच क्या करना पड़ेगा, हर चीज पे क्वेश्चन है, देख ये वेक्टर तो डॉट ही आएगा, क्यों इधर क्या लेना अपने को स्केलर, सदिश सदिश और अदिश बस। अब इसमें एक चीज और काम की है, यहां दोस्तों आरपीएम दिया है, आरपीएम कुछ नहीं होता है एक्चुअल, सीपीएस होता है, सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड, क्योंकि आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट होता है, लेकिन मिनट तो मात्र होता ही नहीं है, तो दोस्तों इसको सीपीएस में चेंज करना हो तो आप जानते हैं 600 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि राउंड पर मिनट, तो ये आपके पास कितना आ गया दोस्तों 10, तो एक्चुअल देखा जाए तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10, टी की वैल्यू, ठीक है डियर, टी की वैल्यू 10 आ गई, तो एफ की, सॉरी एफ की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो टी की वैल्यू आ गई 1/10, ठीक है डियर, ध्यान देना, आरपीएम है, आरपीएम राउंड पर मिनट है, मिनट कुछ नहीं होता है, सीपीएस साइकिल की बात है, राउंड बोल दे साइकिल बोल दे की है, सीपीएस पर सेकंड, ये आपका बोलने में गलती, एफ था ना, एफ क्या हो गया 10, तो टी का मान 1/10, इसका मतलब है रे एक चक्कर में 1/10 सेकंड लगता है, सीधी सी बात है यार, बस अब आ जा यार, कलर चेंज कर दे तेरे लिए थोड़ा सा, तेरा मूड सही कर देते हैं, ले ठीक है जी, ए लाल कलर कर देते हैं इस पे। अब तू जानता दोस्त डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी मल्टीप्लाई टी, बट पी क्या है, एक हॉर्स पावर वाली, एक चौथाई हॉर्स पावर वाली, यानी पी का मान है 1/4 हॉर्स पावर, का मतलब क्या है 746,
टी कितना है 1/10, लेकिन वो इसकी दक्षता कितनी है 40%। देख मोटर तो एक्चुअली मोटर क्या है 1/4 HP की है, मतलब अपने भाषा में कहें तो 0.25 HP की है, बट उसकी इफिशियंसी कितनी है 40% ही है। इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये ले यार, क्लियर? ठीक है डियर, तो ये तेरा नीचे ले ले, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दे, 100 का भाग दे, 7.46 हो गया, ये ले 7.46 आंसर आ गया। क्लियर? बोचा क्यों है? पावर का फॉर्मूला आ गया, CPS और RPS समझा दी, हर बात समझा रहा हूँ मैं इसका उद्दम्ब तो नहीं भर रहा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि CLC के 2013 से 2019 के प्रीवियस नीट के पेपर का सॉल्यूशन और हमारे पंच के 20 का सॉल्यूशन कर लोगे तो गामा बैच का बच्चा भी दोस्तों 26 जुलाई को 150 नंबर ला सकता है। ऐसे बहुत से बच्चों नंबर हमने दिलाए हैं भैया, याद आज भी है। ओके डियर, थैंक यू, आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन 5 पढ़े आप, पढ़ लिया 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिया, इसका मैं तेरे को ब्रह्मास्त्र देता हूं। ले ब्रह्मास्त्र क्या है कि ये कोई एक सरफेस है, देख ध्यान दे भाई, और ये कोई ब्लॉक है, इस पे कोई एफ फोर्स लग रहा है, ए एक्सीलरेशन से अपने इसको मूव कर रहे हैं, और यदि ये फ्रिक्शन लेस है, ध्यान दे क्लास, यदि ये फ्रिक्शन लेस है तो कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है अपने को, W=F=ma हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे इस पे कोई फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन आप जानते हो इसका विरोध करेगा, विरोध करते दोस्तों यहां ए रिप्लेस बाई म्यू जी गांठ बांध ले। सिंपली दोस्तों जो ए होता है वो तो ए होता है, जैसे ही फ्रिक्शन आ जाता है A=2 क्या बन जाएगा, म्यू जी। क्लियर? तो इस पे 2 फोर्स लगेंगे भाई टोटल, एक तो फोर्स कोण है एम ए और एक फोर्स कोण है म्यू एम जी। क्लियर? बस इतनी बात है। तो बार बार एक बात कह रहा हूं मैं हर वीडियो में जहां ये मैंने कराया कहा है मैंने कि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये बहुत एक ट्रिकी चीज है कि ए रिप्लेस बाई म्यू जी, किस कब है? जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मामला मूव कर रहा है। बस अब तेरे पास एफ आ गया, अब दोस्तों आपको पावर चाहिए तो पावर इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट वी, वी कितना होता है भैया, ले वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू क्या है 0, इनिशियल क्या है रेस्ट कंडीशन है, तो वी इक्वल टू ए टी, ये ले भाई मेरे, तो ये एम ए प्लस म्यू एम जी, और वी के क्या लगा दे भैया 80 लगा दे, तो आप आंसर देख ले, तो इसमें तो एम बाहर निकाल, एम ए प्लस म्यू ए जी 80, तो आपका आंसर हो गया इसका भाई 4th। क्लियर? थैंक यू, आ जाए डियर पढ़े क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरी विथ वेलोसिटी द पार्टिकल एफ इक्वल अपॉन के वी, के कॉन्स्टेंट है, वर्क डन बाई दिस फोर्स इज, वर्क निकालना है दोस्तों। देखो सबसे पहले इधर आओ, एफ इक्वल टू क्या है के वी, दोस्तों के वी इक्वल टू क्या हो गया एफ वी, एफ वी क्या होता है पावर, तो हकीकत इसमें क्या हो पावर इक्वल टू क्या है के, वो कॉन्स्टेंट हो गया, इसी बात है, ये बात तो पकड़नी पड़ेगी, के इक्वल टू एफ वी, एफ और वी क्या है के, और के अगला खुद कह रहा है के इज कॉन्स्टेंट। क्लियर? तो पावर कॉन्स्टेंट हो गया बस यार। अब अपन जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है W/T, W इक्वल टू क्या है दोस्तों PT, P किसके बराबर है तेरे सामने है PT, तो PT दोस्तों W=P W/T, W=, आपको वर्क निकालना है तो दोस्तों P × T, और PT आपके सामने KV किसकी वैल्यू होगी P, तो ये तेरे सामने क्या आ गया KT, W=, दोस्तों आ गया KT। ओके, थैंक यू, चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बिना कंफ्यूज करता, आप जानते हो दोस्तों ये सारा डिपेंड करता हाइट पे, हाइट इसका भी एच है, हाइट इसकी भी एच है, भाई यहां से यहां तक आने में दोस्तों एनर्जी अपने फॉर्म चेंज करती है, वो एक्चुअल इसकी एनर्जी भी क्या है MgH, इसकी भी क्या है MgH, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों ही सेम फ्रिक्शन फोर्स के साथ स्लिप कर रही है, ये दोनों फर्श चिकने होते दोनों सेम फ्रिक्शन पे हैं तो दोस्तों इन दोनों में क्या क्या वर्क बराबर होगा W=W, हाँ इन दोनों का अलग अलग फ्रिक्शन होता तो फिर हो सकता है नोट हो सकता है, जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां वर्क थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, यहां कौन काउंट हो रहा है H सेम है तो यहां भी एनर्जी क्या है MgH, वहां भी एनर्जी क्या है MgH, कन्वर्ट किस में हो रही है ½ mv² में, MgH = ½ mv² कॉन्सेप्ट ही है मूल रूप से, अब इसमें इसने फ्रिक्शन कर दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों का सेम फ्रिक्शन है तो दोस्तों कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जानते हो ना वर्क डजंट डिपेंड ऑन पाथ, एक कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, भूल गए क्या,
एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक संरक्षिबल होता है एक असंरक्षिबल होता है। परिभाषा क्या है? संरक्षिबल वो होता है जो पथ पर निर्भर नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है जो पथ पर डिपेंड करता है। याद करो, हीट में चलो, हीट में एक साइक्लिक प्रोसेस में किया गया वर्क उस साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा कवर्ड एरिया के बराबर होता है, जबकि यहाँ तुम पढ़ोगे ग्रेविटेशन फोर्स में तो एक साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ चले वापस वहाँ आगे तो वर्क क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि वही तो फाइनल होता है, वो इनिशियल होता है, क्योंकि यहाँ सारा काम किस में हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स में हो रहा है। याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। क्यों भूल गए क्या? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जो भी फोर्स आर स्क्वायर इनवर्स को फॉलो करता है, हेलो, जो भी फोर्स वन अपॉन आर स्क्वायर बोल दो या आर स्क्वायर के इनवर्स को फॉलो करता है, ऑल फोर्स आर कंजर्वेटिव। वो चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैग्नेटिक हो, ये सारे फोर्स क्या कंजर्वेटिव है। जबकि आपका विस्कोसिटी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो सारे क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। आप हीट का टॉपिक भी क्या है दोस्तों? नॉन कंजर्वेटिव। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 सुन लो। इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो डियर, बंदूक से गोली निकलती है ना, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है। सेम कहानी है मोमेंटम कंजर्वेशन। गेंद ऊपर जाएगी, पृथ्वी पीछे जाएगी। अब तो बोलने अजीब लगता है, वो जाएगी, अब तक कितना है जाए? जैसे बहुत भारी बंदूक है, जब तोप से गोला छोड़ो तो तोप फिर पीछे आती है, कि तोप की साइज ज्यादा होती है। ठीक है डियर, इसलिए सेम क्वेश्चन है, बंदूक से गोली का निकलना या पृथ्वी पे खड़े व्यक्ति के द्वारा बॉल फेंकना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। गोली आगे जाएगी, बंदूक पीछे आएगी, तो साफ है गेंद व पृथ्वी एक दूसरे से दूर गति करते हैं, वैसे ही जैसे गोली और बंदूक करते हैं। ओके, थैंक यू। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेरा प्रिय क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैं थोड़ी सी आपको पर थ्योरी बता दूं, पर क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। ए कार ऑफ मास एम मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ओ भाई, किसमें? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, वर्टिकल नहीं रहा। ये सारा सुनना रहा, सर्कुलर पाथ दो प्रकार का, वर्टिकल पूरी दुकान अलग है वर्टिकल की, ये कौन है? हॉरिजॉन्टल। सीन देखो, आप कार को भूल जाओ यार, एक ऐसे पार्टिकल है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है। अगला साफ कहता है, एट एन इंस्टेंट, किसी भी समय, स्पीड v मीटर पर सेकंड है, इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ a, a मतलब लीनियर एक्सीलरेशन। ओ भाई, रेखीय त्वरण है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज, तो इस कार का रियल त्वरण बताना आपको। चलो पेज खाली करो भैया। देखो डियर, साथ दे मेरा भाई, ये ले, दिस इज, ओ बच्चे, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहां पार्टिकल है, घोड़ा थोड़ा सा सही बना, कोई बात नहीं, ये सेंटर है, इधर कौन लगेगा? ए सी, सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ये कौन है? ए टी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण। ओ लड़के, अभिकेंद्रीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। यदि इन दोनों का रिजल्ट निकालना है तो मैं कलर चेंज करते रहिए, कोई दिमाग तो जानता है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये कौन हो गया? इसका ए आर रिजल्टेंट, एक वेक्टर ए वन है, एक ए टू है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज रिजल्टेंट? ये ले मेरे भाई, रिजल्टेंट क्या हो गया? ए आर इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। लो मैं तेरी पूरी बात समझो, व्हाट इज ए टी? ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, बोल हाँ या ना? सिंपल, ए टी लीनियर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल, स्पर्श रेखीय त्वरण हो गया। और ए सी, ए सी भाई जी दुनिया में सब जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर होता है, कहने की बात ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर है, एम गायब कर दे, वी स्क्वायर आर बन जाएगा। ओके डियर, तो इसका जो ए आर बना वो तेरा बन गया ए टी, पहले लिखा ना अपने, तो ऐसे लिख ले, डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, बोल हाँ या ना? सही किया। अब मैं तेरे को, ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा, क्वेश्चन तो हो गया, मैं एक अलग बात पे आता हूं। देख, ए सी इधर है, आर वेक्टर इधर है, ध्यान देना क्लास, ए सी पैरेलल आर, ध्यान दे, ये प्लेन है ना, तो ए सी भी इधर है, आर भी इधर है, क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए सी परपेंडिकुलर ए टी, देख ए सी इधर है, हो गया परपेंडिकुलर, सेम प्लेन में, ऐसे नहीं भैया, 3D नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 2D है। ओके डियर, AC AT के हो गया। ओके डियर, तो आपके सामने ये सब चीजें वेलोसिटी और AT क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप जरा क्वेश्चन पे आओ, बस क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इसको मिटा दो सॉल्यूशन को, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा, ये कौन था भाई लड़के, ये कौन है? डी यू बाई डी टी नहीं है क्या? This is du by dt, तो a square v square r का whole square,
नौ मान सूर्य आ गया दो, मैंने पूरी बात समझ इसकी भैया, दिस इज हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन का ब्रह्मास्त्र फंडा है। गाड़ी का मोड़ पे मुड़ना, साइकिल का मुड़ना, बाइक का मुड़ना, बारिश का आना, फ्रिक्शन से, ये सब चीज आ गया है देखना भी। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, बहुत सिंपल है, इसका फंडा दूंगा आपको मैं। ए व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट द एक्सिस, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी जीरो, इन द फर्स्ट 1 सेकंड इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा 1, इन द नेक्स्ट 1 सेकंड इट रोटेट्स थ्रू एन एडिशनल थीटा 2। दोस्तों थीटा 2 थीटा 1 का रेशियो 3:1, भूल गया क्या? फिक्स है, चाहे लीनियर मोमेंटम हो तो लीनियर मोशन हो, चाहे एंगुलर मोशन, सुन ध्यान से बच्चा, चाहे लीनियर मोशन हो चाहे एंगुलर मोशन हो, फर्स्ट सेकंड में थर्ड सेकंड में, याद करो रे, याद करो, 1:3:5:7 यही तो रेशियो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, और ये रेशियो एंगुलर है डिस्प्लेसमेंट का। जरा पेज खाली करना, आंसर दे दिया तेरे को मैंने पिछड़ा क्वेश्चन में, आंसर दे दिया तेरे को, 3:1 रेशियो हो गया। अब थोड़ा पेज खाली कर, मैं तेरे को यहां कुछ करना चाहता हूं दोस्त, आ जा। ये है तेरा लीनियर और ये है तेरा एंगुलर, आ जा जी। सबसे पहले इधर काम आता दोस्तों फोर्स, इधर काम आएगा टोर्क, क्लियर, इधर काम फोर्स, उधर काम आएगा टोर्क। अब आगे आ जा, इधर काम आता है एम, इधर काम आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद कर, इधर द्रव्यमान है, उधर जड़त्व आघूर्ण है, मास है, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आगे देख, इधर डियर तेरा वी होता है, सॉरी इनिशियल यू होता है, डब्लू हो, डब्लू नोट होता है, फिर ये वी होता है, ये डब्लू होता है, ये तेरा ए होता है, ये अल्फा होता है, ठीक है, इधर एस होता है, इधर थीटा होता है दोस्तों, इधर पी होता है, पी इक्वल टू एम वी होता है, तो इधर दोस्तों जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है। मुझे नहीं लगता, याद करो, ये पी, दिस इज, दिस पी इज मोमेंटम, ये पावर की बात करूं, याद कर, यहां पावर क्या था, एफ डॉट वी था दोस्तों, यहां जो पावर है एफ की जगह टी है और वी की जगह ओमेगा है। सारे फॉर्मूले चेंज कर ले, यदि मैं और थोड़ी बात ढंग से तेरे साथ करना चाहूं, यहां तो लिखेगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इधर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, एक अल्फा पे, ये है ब्रह्मास्त्र चाबी है भाई जी, ये बोल हाँ या ना। डब्ल्यू की बात करें तो W की बात करें तो मैं इसको मिटा दूं, तो तुम देख देख लिया ना, W की बात करें तो तू खुद कह रहा है, इधर W क्या है, F डॉट S है, इधर दोस्तों F क्या होता है, टो, S क्या होता है, थीटा, W इक्वल टू टो डेट थीटा, कुछ ना ही कर ले, सब एक ही है, अरे भूल गया क्या, अरे लड़के, इधर F इक्वल टू dp by dt होता है, इक्वल टू टो इक्वल टू, याद कर, dj by dt होता है, भूल रहा है क्या, याद कर, इधर f इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ dp इक्वल टू जीरो होता है, या टो इक्वल टू जीरो होता है, या dj इक्वल टू जीरो होता है, आउटर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, और टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। देखा जाए सारी बातें बैठती है इसमें, मैंने क्लियर। अब मेरे क्वेश्चन पे आ जा, तो अब जानता दोस्तों पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में, कब है u इक्वल जीरो, इधर रखना, ये 1, 3, 5 तब होता रहे जब आपका मोशन स्टार्ट का हो रेस्ट कंडीशन से, तो वो भी 1, 3, 5 है, ये भी 1, 3, 5 है, पक्का, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ये वो साइकिल मान लो, बाइक मान लो, फिक्स क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो पढ़ा क्या है, देखो डियर सुनो, ये प्रश्न तो बाद में करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या प्रश्न है, ए मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर on a flat road takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 20 meter the acceleration due to gravity this in order to avoid skidding skidding matlab fisalna fisalne se bachna usko he must not bend with respect to the vertical by an angle dosto apan jante hain jab kisi mode pe apne ko mudna hai to aapke do hi raste hain ya to speed dheere karo और आपको तेज स्पीड में मुड़ना है, यंग बच्चे आप, जैसे आप लोग मुड़ते हो तो अपने आप को झुकाना होता है, तो कहता कितना झुकाएं कि सुरक्षित निकल जाएं, दांत गायब हुए नहीं हो, घर पहुंचे हॉस्पिटल है नहीं पहुंचे, तो इसका लॉजिक सुन लो, तो क्या आज पेपर निकाल, क्वेश्चन निकाल भाई, देखो डियर ये है, माना कि पहले आप एक कार को यहां चल रही है ऐसे, अब मोड़ आ गई तो आपको दोस्तों इस कार में दो टायर का तो थीटा झुकाना पड़ेगा, तो एम जी तो पहले भी नीचे की ओर था अब भी नीचे की ओर है, ये एन आपका इधर हो जाएगा, आपने सपोज को थीटा है तो ये फोर्स क्या हो गया एन कोस थीटा, ये फोर्स क्या हो गया एन साइन थीटा, और ये जैसे तू मुड़ रहा है
तो मुड़ते कौन, सर्कुलर मोशन आ गया। सर्कुलर मोशन आते ही भैया जी ये ले अमिश्कर भाई यार मास्टर है, समझ ले यार तू बाइक चला रहा है, मोड़ आई, तू चाहता है कि मैं स्पीड में निकलूं स्टाइल मारते हुए, तो झुके निकलेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो लंबा टर्न लेके निकल, या स्पीड धीरे। देखो किसी मोड़ पे सुरक्षित निकलने के तीन रास्ते हैं, या तो लंबा कट लो, या स्पीड धीरे करो, या अपने आप को झुका लो। चौथा रास्ता है कि ये दांत गायब होते हैं, आ जाओ बैलेंस कर लो यार। एन तेरे सामने है, एन कोस थीटा इक्वल टू क्या है एम जी, और दोस्तों एन साइन थीटा इक्वल टू क्या है एम वी स्क्वायर बाई आर। साइन में कोस का भाग दे लो तो टेन थीटा क्या है एम वी स्क्वायर बटे आर एम जी, एम से एम कट गया, ये देख तेरा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है डियर। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक बात और सुनना इसमें, यहां लगा बात कर दूं, आपने देखा हाईवे जो होते हैं ना, अब कार को तो आप ऐसे झुका नहीं सकते ना, तो देखना हाईवे ऐसे मोड़ पे थोड़े से उठे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो ऐसे होता है, फिर लो मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, वो ऐसे होते हैं। वो कहता हाईवे को कितना उठाएं, तो हाईवे को उठा लो दोस्तों, माना हाईवे को आपने एच उठाया, सो और ये आपका बी है, सॉरी बी उठा दिया, एच आपके हाईवे की चौड़ाई है, तो दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, ये बी है ना, कितना उठाया इसको भी मान लो, एक ही बात को फर्क नहीं पड़ने वाला, लो मैं आपको कलर चेंज कर दूं कि किताब ये कहती है, माना ये बी है और ये आपका एच उठाया, तो दोस्तों इसको काट दो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्यों करें लो, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई बी, तो टेन थीटा इक्वल टू एक वी स्क्वायर बाई आर जी है, एक टेन थीटा इक्वल टू एच बाई बी है, बी चौड़ाई है एच उठाव है, एच बी किसको मानते हैं आपकी इच्छा। देखो डियर यहां खेल है मोड़ पे अपने आप को सुरक्षित निकालना, तो बाइक तो झुका लेता है, कार थोड़ी झुक जाएगी, ट्रक तो झुक जाएगा, इसलिए महसूस किया ना आपने हाईवे पे जब मुड़ते हैं तो थोड़ी सड़क ऐसे झुकी हुई होती है, उठी हुई होती है, वो कितनी उठी एच, टेन थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ मिटाऊं इसको मैं, ओके ये मिटा दिया, अब क्वेश्चन में आ जाओ, बस समतल 36 किलोमीटर पर आवर। देखो दोस्तों एक तो किलोमीटर पर आवर दिया हो तो 5/80 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा क्या बन जाता है मीटर पर सेकेंड, ध्यान दे क्लास, ठीक है ना, फिक्स है भाई, तो 36 लिया है, ये दो, कहने का मतलब है इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक बिंदु पे पहुंच के सड़क की वक्र आर ये रही, ये कौन है दोस्तों वी, आर कितना है 20, जी है कितना झुकना चाहिए, बस ये ले यार, ये हो गया सिंपल, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। देख लड़के हम केवल सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चन का, पूरी कहानी लपेट रहे हैं, अब भी 26 जुलाई को ठोक सकता भाई, वी स्क्वायर बोले तो 10 मल्टीप्लाई 10, आर बोले तो 20, जी बोले तो 10 कैंसिल आउट 1/2, टेन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5, ये लो 10 इनवर्स 0.5, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो से दे दी, ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन जो है ना पढ़ो आप, ये रियल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम है, हकीकत में किसकी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऊर्ध्व वर्तुल गति, जहां दोस्तों यहां न्यूनतम वेग क्या होता है याद करो √5rg होता है, यहां न्यूनतम वेग क्या होता है √3rg होता है, और यहां मिनिमम वेग क्या होता है रूट, ये होता है भैया शर्त है इसकी, याद रखनी पड़ेगी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम ज्यादा कितनी कर सकते हो इससे आप, इससे कम नहीं हो सकती, यदि कम से कम नीचे स्पीड √5rg है तभी वो बोल दोस्तों पीक पॉइंट पे जाएगी, और यहां √3 किस में, इस पॉइंट पे हो गया ना, ऐसा पॉइंट इस पे √3rg, वहां √rg या √5rg, बस अब सुनो क्या कहता है, वो कहता है एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस, वो कहता कि एक गेंद चले यहां से और एक कंप्लीट लूप करे, ये यहां तब जाएगी मेरे यार जब इसकी स्पीड √5rg हो, यहां सारी की सारी एनर्जी क्या है mgh, दोस्तों mgh कन्वर्ट इनटू हाफ mv स्क्वायर, सीधी सी बात है, यहां की सारी पोटेंशियल कहां जाएगी काइनेटिक में, m से m कैंसिल आउट है, दिस इज gh v स्क्वायर अपॉन 2, हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए इसकी mgh हाफ mv स्क्वायर, ओके डियर आ जा, तो तेरे सामने सामने है
जी एच, वाट इज वी, रूट फाइव आर जी, तो रूट हट जाएगा फाइव आर जी बाई टू। देख डियर, जी से जी कैंसिल आउट है, तेरे को आर चाहिए ना, आर चाहिए ना, तो आर इक्वल टू क्या है भाई, टू एच अपॉन फाइव, आर इक्वल टू क्या हो गया, टू एच अपॉन फाइव, ये ले आर इक्वल टू टू एच अपॉन फाइव, एच का मान क्या है फाइव, आंसर आ गया दोस्तों टू मीटर इसका। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, तो कोई पक्षी उड़ रहा है, भाई पक्षी उड़ रहा है तो उसकी हाइट भी निश्चित है, अभी कॉमन सेंस की बात है, एक हाइट पे उड़ रहा है तो हाइट भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो दोस्तों स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों ही कांस्टेंट है। ये बात कुछ अधूरी सी है, यूं उड़ रहा हो तो गड़बड़ हो जाएगी रे, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, अपने कहेंगे काइनेटिक भी है और पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट। देखा जाए दोस्तों हकीकत में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम कांस्टेंट होता है हमेशा, रूल तो ये कहता है, बट ठीक है जो क्वेश्चन लैंग्वेज। ओके थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इस संदर्भ में है कि इसका आंसर टी ऊपर आए, टी नोट नीचे आए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को देखो। अगला कहता है बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट है, फ्रॉम स्पीड वी नोट इन टाइम टी नोट, टी नोट टाइम में ये कोई वी नोट स्पीड तक चले जाती है, तो वर्क डन ऑन द बॉडी टिल एनी टाइम टी, तो पहली कंडीशन इसमें यह है कि टी जो है वो टी नोट से कम होगा, इसमें टी नोट इज कंप्लीट टाइम इन क्वेश्चन, किसी टी टाइम पे आपको इसमें क्या पूछा है, फर्क पूछा, बस ये सुंदरता इस क्वेश्चन की। ओके डियर आ जाओ, ये कोई बॉडी है, ठीक है डियर, ये टी नोट समय बाद यहां आ गई, तो टी नोट समय बाद इसकी स्पीड क्या होगी, वी नोट, याद कर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियली क्या है जीरो, खुद कह रहा जीरो, तो वी इक्वल टू क्या है वी नोट, ए इक्वल टू क्या है ए, दिस इज टी नोट, तो दोस्तों ए की वैल्यू तो क्या है वी नोट अपॉन टी नोट। अब ये कह रहा है कि किसी बॉडी पे टी समय तक कितना वर्क होगा, टी हमेशा टी नोट से कम है, वर्क वर्क तू जानता है दोस्तों डेल्टा के, डेल्टा के का मतलब वो ये तेरा के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल क्या है जीरो, क्यू वेलोसिटी क्या है जीरो। ओके डियर, तो डब्ल्यू इक्वल टू तेरे सामने हाफ एम वी स्क्वायर, ओके एम आ जाए, वी क्या है, वी क्या लिखेंगे एटी, यस वी क्या होगा, ये वी नोट नहीं है रे, वी नोट तो टी नोट समय बाद, ये किसी टी समय पे है, तो इतना क्या होगा ए टी का स्क्वायर बस हाफ एम, ये तेरा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, थोड़ा तेरे और मैं स्टेप लिख दूं, इक्वल टू हाफ एम व्हाट इज वी, वी नोट स्क्वायर टी नोट स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, और दोस्तों ऐसा ऑब्जेक्ट ये रहा हाफ एम वी नोट स्क्वायर टी स्क्वायर टी नोट स्क्वायर। भाई इसमें सुंदरता यही है रे, टी जो है वो टी नोट से कम है, टी नोट इज कंप्लीट टाइम ऑफ योर क्वेश्चन, टी इज बिटवीन जीरो टू टी नोट, किसी पर्टिकुलर समय पूछा गया, क्योंकि टी नोट से ज्यादा हो सकता है नहीं ना, कि उसके बाद आपको ही नहीं पता वेलोसिटी क्या है। ओके थैंक यू डियर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठंडे दिमाग सुनना, आजकल इस प्रकार की प्रॉब्लम्स एग्जाम आना स्टार्ट हो गई है, जहाँ रियल फिजिक्स काम आ रही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बुद्धि काम लेनी होगी। शुरू करूं, आप क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा पढ़ लिया, एक तो इसमें बात सुनना भाई, यहां आप इसने धागा लेके आपको कंफ्यूज कर दिया, दोस्तों फोर्स कोफिशिएंट कभी धागे का नहीं होता, स्प्रिंग का होता है यार, स्प्रिंग मान लो आप, बस अब बताओ क्या प्रश्न है, छोड़ो प्रश्न, आप मैं बताऊं, देखो ये ऐसे प्रश्न है, ये एक स्प्रिंग है और मास हमने इसे पकड़ रखा है, स्प्रिंग से पास लटका हुआ है, हमने पकड़ रखा है, जैसे इसको अपन छोड़ेंगे मूव करेगा नीचे की ओर, देखो ध्यान दो, लटका हुआ मास ए मूव करेगा करेगा, तो इधर इसका देखो इसका वर्क होगा ना, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि mg इक्वल टू kx, लेकिन उसके बाद नीचे मूव करेगा, तो माना ये यहां पर जब आया तो इस समय इसकी कंडीशन हो गई mg इक्वल टू kx, उसके बाद भी दोस्तों नीचे के मुंह करेगा ये, तो आपको उस पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो क्या होगी मैक्सिमम होगी। ओके mg इक्वल टू के एक्स, तो k की वैल्यू पुट कर दे भी, k क्या है mg बाई ए एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, अब दोस्तों x बराबर a, a की बात है, x बराबर a बोल दे चाहे a बराबर x बोल दे, क्लियर पेज खाली करना। ओके डियर, अब तेरे सामने सामने क्या आ गया, तेरे सामने की स्थिति आ गई ये x इक्वल टू ए आ गया, अब अपन एक बात जानते हो, वर्क का फॉर्मूला फाइनल है भाई, डेल्टा के का मतलब के फाइनल ब्रह्मास्त्र भी है, के इनिशियल क्या है
जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल टू के फाइनल। अब के फाइनल दोस्तों डब्ल्यू, डब्ल्यू यहां दो प्रकार से है, डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू एस पी। हेलो, ये काम की चीज में काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क से, वर्क दो हो गए यहां पर, एक वर्क हो गया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हो गया अगेंस्ट स्प्रिंग। बस आ जा, तो दोस्तों के फाइनल जो है, इसको के मैक्सिमम कह दो, एक ही बात है कि जो फाइनल मैक्सिमम है डब्ल्यू जी, दिस इज एम जी एच प्लस स्प्रिंग, तो दोस्तों माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान दे क्लास, स्प्रिंग किधर आ रहा है, ऊपर की ओर, मोमेंट किधर है, एंगल कितना हो गया 180, 180 का मतलब W इक्वल टू एफ एस कोस 180 माइनस हो गया ना। बस आ जा भैया, तो दिस इज के मैक्सिमम एम जी एच, एच रिप्लेस बाय एक्स, एच हाइट ली ना, वो एक्स में रिप्लेस कर दी, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके डियर, बस अब इसको मिटा दें अपन एक बार, एम जी एक्स माइनस हाफ के क्या है, याद है क्या, एम जी ए दिस एक्स स्क्वायर। एक बार आंसर दिखाना भाई, फिर किसमें, एक्स में, के में दिखाना, ए में है, ओके हटा वापस हटा, तो एम जी इसको भी ए कर दे, इसको भी ए कर दे, ये तेरा कैंसिल आउट, ये ले डियर एम जी ए माइनस एम जी ए बाई टू। दोस्तों एक में से हाफ जाएगा, क्या बचेगा, हाफ क्वेश्चन निकालना भाई, ये लो, तो आपके सामने आ गया एम जी ए बाई टू। वाकई बहुत शानदार क्वेश्चन है, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है, एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है और इस इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इस पोटेंशियल एनर्जी के फील्ड में वो मूव कर रहा है, तो और स्टार्ट कहाँ से हुआ, x इक्वल टू जीरो से, यानी दोस्तों ये x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू टू में इसके अंडर में मूव कर रहा है, x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो ये कहता है कि x इक्वल टू टू पे निकालनी है, फाइनल निकालनी है। देखो हम सब जानते हैं w इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, डेल्टा के, w इक्वल टू क्या है, k फाइनल माइनस k इनिशियल, और w क्या होता है सब जानते हैं, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, तो तेरा क्या हो गया रे, के फाइनल माइनस के इनिशियल एफ डॉट एस। अब एफ तेरा क्या है, यू के रूप में है, ओके डियर, तो उस पे आना पड़ेगा अपने को, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कहां से कहां, जीरो से लेके एक्स तक, एफ डॉट डीएक्स, क्लियर। बस एफ क्या है, आजा, एफ ये होता है, एफ इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये आपको ध्यान सबको। अब इसकी एफ की वैल्यू पुट करें, मैं सीधा कर दूं, यू को मैं करूं डिफरेंशिएट, तो वह टू एक्स माइनस थ्री, तो माइनस बाहर ले ले, ये क्या बच गया, माइनस टू एक्स प्लस थ्री, बस ओके, बस इतना काम करना अपने को, तो ज्यादा इसमें आप लोगों को चक्कर डालना। बस अब तेरे सामने क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू जीरो से एक्स, जीरो से एक्स कितना है दो, और ये क्या है, माइनस 2x प्लस 3 dx, क्लियर हो गया। k इनिशियल क्या है, जीरो, तो दिस इज k फाइनल जो तेरे निकालनी है। अब आ जा, इसको तू डिफरेंशिएट कर भैया, करूं डिफरेंशिएट करो, तो ये देख माइनस 2x स्क्वायर नीचे 2 और ये क्या तेरा 3x, कहां से कहां, जीरो से दो, तो जब तू लगता ना अपर माइनस लोअर, तो लोअर जीरो हो गई, ये तेरा क्या है 2 से कैंसिल आउट, x 2 2 का स्क्वायर, ये माइनस 4 प्लस 6, आंसर क्या आ गया, प्लस 2। ओके डियर, ठीक से क्वेश्चन था अपने आप में, दुकान सारी एक ही है, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन विल कोच, वर्तीय गति करते हुए कण के त्वरण का विलंब, देखो दोस्तों ये आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ध्यान देना, यदि पार्टिकल यहां है तो इसकी ये डायरेक्शन है, पार्टिकल यहां है तो ये हो गया, पार्टिकल यहां है तो ये है, दोस्तों स्पीड सेम भी है तो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन, यदि चाल नियत भी है तो वेग एक सदिश राशि होने के कारण, दिशा बदलने के कारण दोस्तों, तो इसका मूल कारण है वेग की दिशा में परिवर्तन। सुन लो रे, सर्कुलर मोशन में वर्तीय गति में जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो वहां पे टेंजेंट खींच दो, वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वही वेग की दिशा है जो हर जगह चेंज होगी। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको अभी करा चुका हूं, देखो वही रोड वाला, देखो वाहन बी चौड़ाई है, देखो ध्यान देना, ए व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी ऑन ए कर्व्ड रोड इज विड्थ बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, फॉर काउंटर एक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए व्हीकल द डिफरेंस इन एलिवेशन इज रिक्वायर्ड
इन बिटवीन द आउटर एंड इनर, वही बात है, सड़क कितना उठाएं, ए सड़क को उठा दिया एच एंगल, भूल गए, हेलो लड़के, एक टेन थीटा का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई आर जी, एक टेन थीटा है एच बाई बी, आपको एच निकालना है तो वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी, वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी, क्लियर, बात हो चुकी पहले यार, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, क्या है, द वर्क डन इन ए जूल्स इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रिंग स्टिफनेस 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर, छह से, देख सिंपल सुन यार, देख भूल इस क्वेश्चन को, एक स्प्रिंग है जिसका के क्या है, पहले तो के निकालो, के है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, एक बात ध्यान देना, ये तो चेंज करना सीख लो आप लोग, 10 न्यूटन का न्यूटन रहेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो वहीं चेंज करो, ये कई बच्चे मार्क्स खा जाते हैं, जहां है वहीं चेंज कर दो, जहां एक सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहां 10^-2 मीटर हो गया, तो दोस्तों देखा जाए तो इसका आंसर है 1000 न्यूटन पर मीटर, क्यों भाई 1000 होगा ना, हाँ देख ठीक है, तो इस स्प्रिंग का के 1000 न्यूटन, अब कॉमन सेंस की बात है, एक स्प्रिंग का के 1000 न्यूटन पर मीटर है, सॉरी उसको यार मैं 4 सेंटीमीटर से ऐसे 6 सेंटीमीटर खींचूंगा तो वर्क तो करना पड़ेगा ना भाई, ध्यान दे, देख देख मैं खींच रहा हूं, वैसे खींच रहा हूं ना, तो मैं इसके विरुद्ध में कार्य कर रहा हूं, तो मेरी मसल्स के द्वारा कार्य है वो कहां स्टोर होगा, स्प्रिंग के अंदर होगा, बस आ जाओ, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, याद है ना, तो डेल्टा के क्या होता है, माइनस डेल्टा यू होता है, तो W इक्वल टू दोस्तों माइनस डेल्टा यू, माइनस का मतलब होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बोला है ना, ठीक है डियर, वैसे तो डेल्टा मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बट यहां एक माइनस का साइन पहले से आ गया, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल होगा, ओके, अब अपन जानते हैं यू क्या होता है, हाफ के अक्ष स्क्वायर, तो यू के अक्ष इनिशियल का स्क्वायर माइनस के अक्ष फाइनल का स्क्वायर, ठीक है डियर, अब इसमें साइन का से या प्लस माइनस नहीं आया, इसलिए आपको बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी प्लस माइनस होता दोस्तों बड़ा फर्क पड़ जाता है, अब आप देखो हाफ के तो बाहर ले लो, अक्स स्क्वायर तो अक्स क्या है, 4 का स्क्वायर या 6, एक ही बात मान लो, 6 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 6 36, 36 माइनस 6 बचा 20, ये 20 है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, उसको 10^-4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, अब तेरे सामने आ जा 1/k कितना है 10^3, ये कितना है तेरा 20, ये तेरा कितना है 10^-4, ये देख इसका एक जीरो ये खत्म हो गए, ये इससे खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसका आंसर तो भैया मेरे हिसाब से 1 आ गया, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ये मैंने प्रीवियस पेपर के जब कराए थे ना सॉल्यूशन तब यहां खूब क्वेश्चन आए थे कि एग्जाम में ये पका पका है क्वेश्चन, ये रियल में कौन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फंडा, सीधी सी बात है भैया, आ जाओ तो पढ़े क्या गया, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल है, वन नहीं है भाई, एल है, एल हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉब ऑफ मास एम इज, आ जा भैया पेज खाली कर, देख डियर ये हकीकत में ऐसा है, देख मैं बताऊं तेरे को, देख ये यहां कोई एक सुन, ये कोई है यहां एक लोलक बंधा हुआ है, ये पूरा घूम जाए तो ये ऐसे नहीं घूमेगा क्या, तो देखा जाए क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो दोस्तों एक्चुअल में जो आपका पेंडुलम है दिस इज पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये ऊर्ध्वावर्तुल गति का हिस्सा होता है, बस आ जा, ये यहां है देख, ये यहां से मेरे भाई यहां जाएगा, सपोज कर ध्यान दे, एक मिनट थोड़ा बड़ा बना उसको मैं, ये यहां है, ये यहां से इधर जाएगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर आएगा, ये सब जानते हैं, कहने की बात ही नहीं है, अब तू एक बात चीज दे, थोड़ा सा कलर चेंज के साथ तो करना चाहूंगा इसको मैं, अब देख डियर ये कितना उठा h, ये डिस्टेंस कितनी है रे l, ये भी कितनी होती है l, कहने की बात ही नहीं है, तो सर्किल है ना पूरा, अब ये तेरी l, ये तेरी l, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई l cos थीटा, तो सबसे पहले तो पता लगा कि उठा कितना, एच कितना उठा, ये ए से बी गया, तो देख ए से बी तेरा एच है, एच कितना है रे एल माइनस एल कोस थीटा, ब्रह्मास्त्र है इसमें, ये सबसे ज्यादा काम ये आएगा इसमें, पहले सुन ले इसी तरह से, ये डिस्टेंस कितनी है एल, ये कितनी है एल कोस थीटा, ये कितनी होगी एल माइनस एल कोस थीटा, ये एच हो गया, अब तू जानता यहां सारी एनर्जी क्या है काइनेटिक, देख लोलक गति करते यहां आया रुक गया ना, तो वेग जीरो हो गया, तो जीरो काइनेटिक क्या होगी जीरो, सारी सारी क्या होगी पोटेंशियल, तो दोस्तों एम जी एच इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, ओके
अब जी एच कितना है, एच तेरा वो रहा एल वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन निकालना भैया। अगला क्या पूछ रहा है, अधिकतम एम द्रव्यमान के बोब की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब दोस्तों यहां जो ऊर्जा है वही अधिकतम है। ध्यान सुन, यहां जो ऊर्जा है वही अधिकतम है। वो अधिकतम ऊर्जा किसके बराबर है, एमजीएच के बराबर है। एच क्या है, एल वन माइनस कोस थीटा। तो ये ले यार एमजीएच एल रिप्लेस कर दे वन माइनस कोस थीटा, तो एमजीएल वन माइनस कोस थीटा ए मिटा दूं, एमजी किसे निकालना भैया, एमजीएल वन माइनस कोस थीटा। क्लियर, ध्यान दे ये पेंडुलम है ना, यहां सारी कौन होती है काइनेटिक, यहां सारी क्या होगी पोटेंशियल। तो यहां की मैक्सिमम काइनेटिक है वो मैक्सिमम पोटेंशियल है MGH। H क्या है, L वन माइनस कोस थीटा, तो MGL वन माइनस, ये एक्चुअल पोटेंशियल है बट यहां की सारी पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू टोटल काइनेटिक। ओके थैंक यू। हाँ डियर दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअल में ये पढ़ो क्या, देखो ए पार्टिकल ऑफ मास m फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ ए लाइट रिजिड रोड से बंधा हुआ है, एल ये वन नहीं है भैया, एल होता है ये फोन में, एंड रोटेट इन ए वर्टिकल सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स अदर एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज एट। देखो दोस्तों ध्यान सुनना, ये कोई रस्सी है, देखो ध्यान दे, एक रस्सी के बांध को पत्थर ऐसे घुमाते हैं ना अपन, ध्यान देना क्लास, रस्सी से बांध के घुमाते हैं तो याद करो यहाँ मिनिमम क्या होता है रूट फाइव आर जी, तब दोस्तों यहाँ मिनिमम क्या करना पड़ता है रूट आर जी, क्योंकि रस्सी में टेंशन नहीं होता खुद का, ठीक है ध्यान ना, उसका टेंशन भी का। और जबकि यही क्वेश्चन आप रोड के साथ करोगे, ये रोड है और रोड दोस्तों घूम के ऐसे आती है इस जगह आ गई, तो दोस्तों यहां यदि वी जीरो भी है तो रोड उसको लेके आ जाए। ध्यान दें यही क्वेश्चन स्ट्रिंग के साथ हो, धागे के साथ हो, तो यहां मिनिमम क्या होना चाहिए रूट आर जी, बट यही दोस्तों रोड के साथ हो तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका आंसर हो गया जीरो। ये क्वेश्चन वैसे कोई काम का नहीं है लेकिन कंपेयर करके देखो बहुत काम का होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रस्सी होती तो पीक पे वेलोसिटी रूट आर जी मिनिमम, ज्यादा कितनी हो सकती है, लेकिन रोड में आप जीरो भी कर दो तो रोड अपने आप यूं गिर जाएगी, क्योंकि रोड का खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े दो, क्या ठीक सा क्वेश्चन है। वो कहता है किसी बॉल को टी जीरो से छोड़ते हैं किसी हाइट से, इलास्टिक सरफेस है यानी वहां एनर्जी लॉस नहीं होता है, जितना ये वस्तु जितना गिरेगी उतना ही वापस ऊपर उछल जाएगी, इसका अर्थ तो ये होता है ठीक है। अब वो कहता है कि टाइम और काइनेटिक एनर्जी और टी के बीच कर्व चाहिए आपको, आप खाली करें पेज भाई, काइनेटिक एनर्जी और कर्व के बीच दोस्तों चाहिए, तो आपने गेंद छोड़ी यहां से देखो, तो किसी टी समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई, तो अपन जानते हैं वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू तो जीरो है तो वी इक्वल टू क्या हो गया जी टी, तो दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या है एनर्जी, ये सब कांस्टेंट है, तो ई टी स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, तो ई और टी के बीच स्क्वायर का रिलेशन आ गया, कौन हो गया पैराबोला। तो आंसर क्वेश्चन निकालें भाई, इससे पहला नहीं हो सकता ये रहा, ये रहा पैराबोलिक पाथ हो गया हल्का सा, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो गया ना, और टी स्क्वायर आते आप जानते हो ना, ये याद है ना, भूल गया क्या, अक्ष डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर, तो वो करो पैराबोलिक हो जाता है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पढ़ो पूरा, पढ़ लिया मैं तो, क्वेश्चन क्या है, एक रस्सी ली मैंने, इस रस्सी से यहाँ एल लंबाई पे पत्थर बांध दिया, फिर एक रस्सी पत्थर बांध दिया, फिर एक पत्थर बांध, और अब इसको मैं घुमा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल ऐसे, देखो मेरा हाथ है ऐसे घुमा रहा हूँ, रस्सी ऐसे घूम रही है, अब जो भारी भार जो पार्टिकल है ना वो अकेला भार खींच रहा है, जो अंदर वाला है उसको बाहर वाली भी खींच रहा है, और एक फोर्स जो पहला है उसको दोनों भार खींच रहे हैं, बस पेज खाली करना, ये लो जी लो डियर, ये पॉइंट है जिसके सापेक्ष घूम रहा है, ये कोई एक मास दूसरा तीसरा, ये लो जी यहां दोस्तों माना फोर्स टी वन है, फोर्स तनाव मतलब फोर्स का मतलब टेंशन से रहेगा टी टू है, और यहां दोस्तों आप जानते हो कि टी थ्री, आप देखो ये लेंथ एल ये लेंथ एल ये लेंथ एल, तो इस पार्टिकल पे टी थ्री, लो ध्यान देना टी थ्री क्या है, टी थ्री है एम ओमेगा स्क्वायर थ्री एल, बोल हाँ ना एम ओमेगा, अच्छा इधर ना कुछ भी हो सकता है, एक क्वेश्चन में ओमेगा दो नहीं हो सकते कभी, आ जा अब तू टी टू पे आ जा, तो टी टू पे क्या है, एक तो तेरा टी थ्री है प्लस एम ओमेगा स्क्वायर टू एल,
आ जा, T1 पे आ जा। T1 पे क्या है? T2 भी है, T3 भी है, प्लस ओमेगा स्क्वायर L। बस इनकी मैं वैल्यू तेरे पुट करता हूं। अब देख, सबसे पहले देख तू T3, तो व्हाट इज T3? 3m ओमेगा स्क्वायर L। बोल हाँ या ना, बोल बोल। आ जा, अब तू T2 पे आ जा, तो T2 क्या है? 2m ओमेगा स्क्वायर L, और T क्या है? 3m ओमेगा स्क्वायर L। तो दोस्त T2 क्या हो गया? 5m ओमेगा स्क्वायर L। अब तू भाई T1 पे आ जा, तो T1 क्या है? T2 प्लस T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। T2 प्लस T3 क्या है? 5 पर क्या हो गया? 6, तो 6m ओमेगा स्क्वायर L। तो दोस्त T1 रेशियो T2 रेशियो T3 क्या हो गया रे? 3:5:6। ये ले, बेस्ट क्वेश्चन खड़ा है। आया ये क्वेश्चन निकाल, ये ना 3:5:6, ये ले भाई, थोड़ा समझने की चीज होती है यार। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। अगला साहब कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स फ्रॉम रेस्ट। देखो सुनो सुनो ध्यान दो। लो जी ये पार्टिकल है दोस्तों, यू इक्वल टू जीरो है, यहां से अगला मूव करता है, एफ इस पर कोई फोर्स लग जाता है। अगला कहता भाई 2 सेकंड में मैक्सिमम पावर क्या होगी? तो सीधी सी बात, 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? तो याद करो वी इक्वल टू यू प्लस एटी, वी जीरो है तो v इक्वल टू एटी। वाट इज a? हम जानते हैं f इक्वल टू एम ए, तो a इक्वल टू क्या है डियर? f बाई m। तो ले लड़के v इक्वल टू आ गया f अपॉन एम टी। बोल हाँ या ना। मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम पावर चाहिए। पेज खाली करना भैया, मैक्सिमम पावर चाहिए। तो मैं जानता हूँ, चलो पहले अपन ऐसा कर लें, w इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा k। डेल्टा k क्या होता है? k फाइनल माइनस k इनिशियल, वो क्या है? जीरो। तो W इक्वल टू क्या आ गया? के फाइनल। ओके, मुझे पावर चाहिए ना, तो मेरी पावर क्या होगी रे? dW बाई dt, मैक्सिमम चाहिए ना, तो समय के सापेक्ष dU बाई dt कर दिया। ओके, dW को मैं क्या कह सकता हूं? के फाइनल कह सकता हूं, एक ही बात है दोस्तों dt। तो तू खुद जानता भाई के फाइनल क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन क्या है? डी बाई dt। ठीक है डियर, घबरा मत इसमें। बस अब तू देख P, तो ऐसा कर, एक बाहर निकाल, दो बाहर निकाल, m बाहर निकाल, ये तेरा v स्क्वायर है। क्या है v स्क्वायर तेरे सामने? सामने f m अपॉन t का होल स्क्वायर, और इसके तू क्या लगाएगा? dt। ठीक है डियर, तो तेरे सामने f इक्वल टू क्या है? ये हाफ m, ये f स्क्वायर बाहर निकाल, ये m स्क्वायर बाहर निकाल। अब तू खुद देखिए t स्क्वायर है, t स्क्वायर का तू क्या करेगा? T के सापेक्ष करा डिफरेंशिएट, तो क्या आ गया तेरा? 2T। ठीक है डियर, 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो f इक्वल टू क्या बचा रहा है? f स्क्वायर t बटे m। t का मान क्या है? 2, तो क्या आ गया? 2f स्क्वायर m। आंसर निकालना भैया, आंसर आ गया दोस्तों 2f स्क्वायर बाई m। इसका आंसर हो गया 24 का 4th। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की थोड़ी सी थ्योरी को समझने की कोशिश करना आप लोग। ये कहता है ए बॉल अटैच्ड टू ए वन एंड ऑफ स्ट्रिंग स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन सच दैट इट्स एक्सीलरेशन एट पॉइंट ए एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू द इट्स एक्सीलरेशन एट पॉइंट बी मीन पोजीशन। देखो डियर ध्यान दो, आप ध्यान से देखो, ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम आप इसको डायग्राम ऐसे बना, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, अपन अलग से बना लें यहाँ पर। ये पेंडुलम यहाँ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप सुन देखो, पेंडुलम यहाँ जाता है तो यहाँ सारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। केवल कौन बचता है? MGH। तो वापस आता, देखो ऐसे ऐसे वापस आता है। तो यहाँ डियर हम सब जानते हैं कि ये तेरा कोण लग रहा है MG, ये एंगल थीटा है, तो ये फोर्स तेरा क्या हो गया इधर? G साइन थीटा। ये तो बैलेंस हो गया इससे, तो G साइन थीटा इधर लेके आ रहा है। और जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर तू जानता है कि एट प्रेजेंट सारा का सारा क्या है? MG नीचे की ओर है, ऊपर कौन है? एम स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ जो तेरा ए बी है वो क्या बन गया? वी स्क्वायर बट्टे आर, या एल बोल दे की बात है। ठीक है डियर, वी स्क्वायर बट्टे आर बोल दे, वी स्क्वायर बट्टे एल बोल दे। और यहाँ वी क्या होता है? ये वी अपने दोस्तों सब जानते हैं क्या होता है? रूट है 2GH होता है। और एच क्या होता है? ये बात अपन क्लास में भी कर चुके, एल 1 cos θ होता है। ये सब पिछले कर चुके ना डेरिवेशन अपन, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एच इक्वल टू एल माइनस एल कोस थीटा। बस तो वी स्क्वायर अपॉन एल बोल दो, आर बोल दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। इक्वल टू क्या है? जी साइन थीटा। दोनों खड़े करना, एक मिनट,
दोनों को दोस्तों बराबर कर दो। एक एक्सप्रेशन है जी साइन थीटा और एक है टू जी एल वन माइनस कोस थीटा अपॉन एल है, ध्यान दे क्लास, अपॉन एल वी स्क्वायर बाई, ओके डियर, एल से एल कैंसिल आउट कर दे, जी से जी कैंसिल आउट कर दे, दिस इज साइन थीटा इक्वल टू टू माइनस टू कोस थीटा। अब ये रामायण थोड़ी आगे भैया मुश्किल है, इसको आगे गुणा भाग एग्जाम में नहीं आएगा, आए तो आप करके देख लेना। इसका आंसर होता है थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव, उसको आगे करना मैं टाइम वेस्ट मानता हूँ, क्वेश्चन मानता हूँ मैं, फालतू नहीं लिया मैंने, ध्यान सुना, ये चीज समझने लिया मैंने, यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो दोस्तों ये इजी अप्रोच में आएगा कि टेन में हो जाएगा। ये मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ जी साइन थीटा है और यहाँ वी स्क्वायर बाई एल है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, बस इसलिए बताया इसको मैंने। ओके थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 26 को करने से पहले कुछ चीज देखो, पेज खाली करना एक मिनट। देखो डियर, ये कोई पार्टिकल मान लो ऐसे मूव करता तो अपन ऐसे सिंपल सा दिखाते ना, एसी, एसी इक्वल टू क्या आता है वी स्क्वायर बाई आर, और ये कोण है दोस्तों एटी, ये किसके बराबर है डी वी बाई डी टी, ध्यान दे, और ये इसका क्या हो जाता है रिजल्टेंट, तो जानते हो दो फैक्टर जब एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर का रूट हो जाता है। अब यहां देखना चार कंडीशन है, सुन लो आप लोग, ये माना एसी है, ये माना एटी, पहला केस एसी भी जीरो एटी भी जीरो रेस्ट, कोई बात ही नहीं, एसी भी नहीं है एटी भी नहीं है, इसका मतलब क्या है रेस्ट या समान वेग से चलने वाली रेखीय गति, भाई ध्यान सुनना, ये भी हो सकता है रेस्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला वन डी, क्लियर आजा, अब आजा एसी इक्वल टू जीरो बट एटी नॉट इक्वल टू जीरो, एसी जीरो है ए टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये दोस्तों गति कौन सी है त्वरित एक गति है, वन डायरेक्शन वन डी है जिसकी त्वरण है, ओके एक्सेलरेशन है। अब आप आ जाओ एसी नॉट इक्वल टू जीरो और एटी इक्वल टू जीरो, ये ध्यान देना एसी जीरो नहीं है एटी जीरो है, ये एक सर्कुलर मोशन है कॉन्स्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। अब दोस्तों देखो एसी नॉट इक्वल टू जीरो और एटी भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये एक सर्कुलर मोशन है वेरिएबल स्पीड से परिवर्तनशील वेग से, फिर देख ले एसी जीरो एटी जीरो ये क्या है, ये है समान वेग की रेखीय गति कांस्टेंट स्पीड का वन डी, ओके एसी इक्वल टू जीरो एटी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है ये एक वन डी है जो एक्सीलरेट है, एसी नॉट इक्वल टू जीरो एटी इक्वल टू जीरो ये सर्कुलर मोशन है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, एसी नॉट इक्वल टू जीरो एटी नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब सर्कुलर मोशन है जिसकी स्पीड भी क्या है वेरिएबल है, क्लियर बस ये इसका ब्रह्मास्त्र है। ओके थैंक यू आजा भैया दोस्तों, अभी आपको जो समझाया मैंने एसी और एटी के बारे में ना, बस उसकी इसमें शानदार एप्लीकेशन है। जो क्वेश्चन क्या कहता है, ये अब तक का सबसे पहला क्वेश्चन लग रहा है सर्कुलर मोशन का मेरे को, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ द एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम, ये दोस्तों आपका एक्सीलरेशन है ये आपका मोमेंटम दे दिया। अब वो कहता है पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डिक्लेरेटेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, या वी कांट से एनीथिंग विथ ए एंड पी ओनली। दोस्तों इसको हम करते हैं, देखो भाई मेरी बात ध्यान सुनो, आप इधर देखो, ये आप ऐसा करो पेज खाली कर लो एक, ये अपन पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान से क्लास प्लीज मन से बैठो, बहुत क्वेश्चन है, इधर कौन है एसी, इधर कौन है एटी, इधर कौन होगा पी, व्हाट इज पी, पी इज लीनियर मोमेंटम, वो क्या है एम वी, तो जिधर वी है उधर ही पी है, कहने की बात ही नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट तू जानता क्या बनता है, ये रहा ए, वो क्या बनता है याद है क्या, एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट ए है और ये पी है, ये दोस्तों इनके बीच कोई एंगल है थीटा, इधर से नाप लो चाहे उधर से, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ने वाला होता। अब पी और ए, ये तेरा पी है ए, सॉरी तो एंगल आपको थीटा नापना पड़ेगा, इधर से खास बात नहीं, काट दो इसको, पी और ए के बीच का एंगल क्या है। अब एक बात ध्यान सुनना, यदि ये थीटा जीरो हो जाए, ध्यान दे क्लास, थीटा जीरो हो जाए तो पी भी इधर ए भी इधर, ए दोस्तों इधर कब जाएगा जब ए सी जीरो होगा,
एसी जीरो होने का मतलब सर्कुलर मोशन नहीं है। और यदि दोस्तों थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, इसका मतलब ए किस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इसका मतलब एटी क्या है, जीरो है। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और दोस्तों थीटा जीरो से बड़ा और 90 छोटा आ जाए, इनके बीच में आ जाए, इसका मतलब एटी भी है और एसी भी है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और दोस्तों यदि थीटा आपका 90 से बड़ा आ जाए, कहीं ये इधर आ जाए, इसका मतलब दोस्तों मोमेंटम ऊपर की ओर है, ये इधर है, तो ये नेगेटिव हो गया, इसमें मंदन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। इसकी अपन गुणा भाग करेंगे ना पी डॉट ए की, वो थीटा दोस्तों 0 और 90 के बीच आता है। तो 0 और 90 के बीच जो आया क्वेश्चन निकाला डियर, तो आपके सामने सामने है, 0 और 90 के बीच का मतलब होता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, त्वरित असमान वर्तीय गति है, यह आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार सुन के, दो बार सुन के और अपने हाथ से करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। वो एंगल जो है वो निकाले तो पी डॉट ए निकाल ले यार, पी डॉट ए दिए हुए हैं, निकाल तो निकाल दो, तू कहते तेरे को यार, ले यार पी डॉट ए इक्वल टू क्या है, पी का रिजल्टेंट, ए का रिजल्टेंट, कोस थीटा, पूरी बात कर ले, कोस थीटा क्या है, पी डॉट ए, आई को आई से मल्टीप्लाई कर, 8 चौके 30, क्यों भाई, माइनस 18 अपॉन, इसका रिजल्टेंट क्या है 5, इसका क्या है 10, निकालना भाई, 32 18 के कितने बचे भाई, बोलो बोलो कितने बचे, 24, 24 हो गए ना, 24 अपॉन 50, ये लो जी 24 अपॉन 50 का मतलब है पॉजिटिव है और एक से छोटा है, ये ले पॉजिटिव है, देख कोस पॉजिटिव है, एक छोटा है, इसका मतलब 0 से 90 के बीच है, नेगेटिव आ जाता तो दोस्तों सारा खेल क्या हो जाता, मंदन का हो जाता। इट्स ए बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखने में थोड़ा अजीब सा बट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है इसकी तो हिंदी में पढ़ना भाई, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ए स्मॉल डिस्क इज ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट वेलोसिटी वी दैट शुड बी गिवन टू द डिस्क फॉर इट टू लीव द हेमिस्फीयर एंड नॉट स्लाइड डाउन इट, ओके खाली करना भी पेज। दोस्तों ये इस तरह से देखो, अपन एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, ठीक है, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये यहीं कहीं स्लिप हो जाए तो देख डियर, कलर चेंज करके मैं थोड़ा तेरा शॉर्ट कर दूं, एम जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर, इसका आर क्या है, ऊपर की ओर, और एक फोर्स क्या लगेगा इसमें, एम स्क्वायर बाई आर, बट वो कहता है कि तुरंत छोड़ दे, तो दोस्तों रियल तो फॉर्मूला इसका ये है, आर प्लस एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू एम जी, ओ भाई स्मॉल आर रेडियस है, कैपिटल इसका रिएक्शन फोर्स है, अगला खुद कहता है वहीं का वहीं छोड़ दे तो R इक्वल टू जीरो, सीधी सी बात है यार। तो ये मेडिकल का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एम यू स्क्वायर आर इक्वल टू एम जी, एम से एम काट दे दोस्तों तो V इक्वल टू क्या आ गया, रूट आर जी, अरे वो ये पीक पॉइंट की वेलोसिटी होती है ना, रूट आर जी, वही है सर मोशन वाला क्वेश्चन, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखो 28, इसमें एक सुंदरता है, हिंदी में थोड़ा सा गलत है भैया, ये नियम नहीं है नियत है, बस ये ब्यूटी इसकी यही थी, गड़बड़ यहाँ हो गया। तो अगला साहब कहता है ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड, ओ लड़के कॉन्स्टेंट स्पीड है तो कभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं सकता, ये कौन है, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, लड़के ये तेरा सर्कुलर मोशन हॉरिजेंटल, जिसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट किधर दिखाता है, इधर फोर्स हमेशा इधर, यू हमेशा 90 किसी पॉइंट पे जा, W इक्वल टू एफ डी कोस 90, सब जगह जीरो है भाई जी, कहीं पूछ ले आंसर सब जीरो जीरो आ गया। मुद्दे की बात क्या है इसमें, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, यदि यहां ये कांस्टेंट स्पीड कह देता तो फिर भी कुछ हो सकता था, दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो आप जानते हो रूट आर जी, यहां रूट फाइव आर जी, ये कभी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, ओके हमेशा क्या होगा इसमें 90, W इक्वल टू एफ डी कोस 90 जीरो हो जाएगा, ओके थैंक यू। हाँ डियर ये 29 क्वेश्चन भी हमारा वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आ जाओ क्या कहता है, ए सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेट्स इन ए वर्टिकल प्लेन, वही बात, व्हेन इट पासेस थ्रू मेन पोजीशन टेंशन इज द स्ट्रिंग इज 3 टाइम्स ऑफ वेट, दोस्तों टेंशन जो उस समय है वो 3 mg के इक्वल है बस। अब दोस्तों कहता है व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन, खाली करें पेज को, आ जाओ भैया देखो डियर ये ऐसा प्रश्न है, ये यहां है वही बात,
ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, बोल हाँ या ना डियर, कुछ नहीं करना अपने को यार, वहाँ गया। अब तू जानता हो यहाँ से वहाँ जाता है तो यहाँ सारी एनर्जी कौन है, इसको ए पॉइंट कह दे, इसको पी पॉइंट कह दे। ए पॉइंट पे सारी की सारी कौन है, हाफ एम वी स्क्वायर। पी पॉइंट पे सारी की सारी कौन हो जाएगी, एम जी एच। क्लियर? अब एक बात ध्यान सुनना, यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊँ मैं तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी किधर है, नीचे की ओर, टी किधर है, ऊपर की ओर, पथ कौन सा है, सर्कुलर। तो हकीकत में दोस्तों क्या है, बड़ा कौन है, टी, क्योंकि एम जी बड़ा होता तो टूट जाता। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। वाट इज टी, थ्री एम जी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। दिस इज टू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। एम एम कैंसिल कर दे दोस्तों, यहां जो वी की वैल्यू आई है वो आई है रूट टू जी एल। ओके, वी क्या आ गया, रूट टू जी एल। ठीक है डियर, बस अपना काम हो गया। अब तू यहां आ जा तो हाफ एम वो रूट में है ना, तो ये तेरा टू जी एल कर दे। अब तू जानता एम जी एच, एच याद कर ले, हेलो हेलो इसको मत भूल यार, आज ही भूल रहा कैसे, एच इक्वल टू एल माइनस एल कोस थीटा। तो एल बाहर निकाल लूं तो ये क्या बचा, वन माइनस कोस थीटा। अब देख एम जी एल, एम जी एल दो से दो काट दे, एक इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा, कोस थीटा इधर ला, ये एक माइनस एक क्या हो गया जीरो, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। हो गया आंसर, आ जा थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री, ये ले भाई। क्लियर? मतलब देखो वही चीज बार बार काम आ रही है। थैंक यू दोस्तों। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक भी है, वो देखो, देखो डियर सुनो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ए बी सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। आ जाओ जी मैं एक ही चीज बताता हूं तेरे को, देख ध्यान से सुन। वी ए इक्वल टू होता है रूट फाइव आर जी और टी ए इक्वल टू होगा सिक्स एम जी। दिस इज मिनिमम कंडीशन। आ जा जी, वी बी इक्वल टू होता है रूट थ्री आर जी और टी बी इक्वल टू होता है थ्री एम जी। दोस्तों वी सी इक्वल टू होता है रूट आर जी और टी सी इक्वल टू होता है जीरो। बस अब तू देख छः तीन जीरो, अगला कहता तीन गुना है, तीन गुना दोस्तों इन कंडीशन पे है या इन कंडीशन पे है, एंगल क्या है 90 डिग्री। अब ऐसे ही बोल सकते हो, मैंने पूरा भी कर दिया, एक ट्रिकी भी कर दिया, और ये डेटा तो ओ भाई इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो ये डेटा याद रखने ही पड़ेंगे। ओके थैंक यू। 30 दोस्तों अभी समझाया है ना मैंने, अभी आपको समझाया ना वो क्वेश्चन है। इस बिंदु पर टेंशन कितनी है, 3mg, तो टेंशन 3mg है, फोर्स 3mg है, तो एम गायब कर दे दोस्त, कितना बच गया 3g। डेटा याद रखना इसमें, वहाँ टी जीरो है, यहाँ टी जीरो है, यहाँ 3mg है, 6mg है, ये फोर्स है। आप जानते हो फोर्स बोलो टेंशन एक ही बात है, एक्सटेंशन में एम एम हटा दो 3g। ओके थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। हमारा ये पंच का चौथा टॉपिक चल रहा है, कल 10 मई को हमने रात को 30 क्वेश्चन शूट कर छोड़ दिए थे, आज 11 मई है, वही रात को 8:15 बजे शूट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 31वें 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन बाकी हैं, 15 क्वेश्चन करके इसको फाइनल कर देते हैं और कल ये 12 मई की रात तक तेरे हाथ में आ जाएगा। शुरू करें, ठीक है, राजी है, आ जा, पढ़ क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया। ओके, ये कहता है ए मास इज सपोर्टेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेट अबाउट एट फिक्स्ड सेंटर टू एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इफ लेंथ। ये पता नहीं भगवान जाने क्या रामायण कहता है, अरे हमें से कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, रस्सी है यार, सुन ले, एक रस्सी के पत्थर बंधा हुआ, ये ओमेगा नॉट से घूम रही है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। ओके, सर्कुलर मोशन जब जब होता है बीड़ो, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एम वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो ओमेगा की जगह आप 2πt भी कह सकते हो, तो ओमेगा की 2πt कहोगे तो ये तेरा 4π² / t² हो गया। सुन ले यार, ये प्रश्न की भाषा क्या है, एक द्रव्यमान घर्षण रहित क्षितिज तल पे स्थित है, रस्सी से जोड़ के दृढ़ सेंद्र से ओमेगा नोट से घुमाया। अब हिंदी पढ़ना सीख ले, रस्सी की लेंथ और कोणीय वेग दोनों डबल कर दिए। आजा मैं कलर चेंज करूं तेरे लिए। अब देख भाई मेरे, यहां देख तो अगला स्पष्ट कहता है लेंथ और ओमेगा डबल कर दिया तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना होगा। आर का मतलब एक बात, आर बोल दे लेंथ बोल दे, क्यों, आर रेडियस होती है लेंथ, उनको डबल कर दिया तो तरीका होता है दोस्तों करने का। देखो इसका कैसे करेंगे,
ये आपका टी डैश इक्वल टू, जहां आर तो वहां टू आर कर दो, डबल किया, ओमेगा डबल है तो वहां भी डबल कर दो, तो ये टू में ओमेगा का होल स्क्वायर, तो ये तेरा टी डैश है, तो देख एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसा कैसा रहेगा, दो चार एक आठ नया आ गया, इसको टी कहते हैं, तो दोस्त टी डैश इक्वल टू क्या आ गया, एट एट, ये फिक्स क्वेश्चन है, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, दुगुना कर दिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। ओके थैंक यू, आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 मन तो पढ़ लिया पूरा, क्वेश्चन क्या कहता है उसको भूलो, एक पेज खाली करना एक बार आप दोस्तों। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बता देता हूं जो इसमें काम आएगी, ध्यान देना भाई, ये फिजिक्स में ब्रह्मास्त्र है। देखो ये तीन, ये चार, ये पांच, तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर इक्वल टू फाइव, फाइव हो गया दोस्तों, फिक्स है। फाइव और थ्री के बीच का जो एंगल है वो है 53 डिग्री, ये दोस्तों एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल अपने आप क्या हो गया 37 डिग्री। देख ले भैया, तेरे को 53 का एंगल याद नहीं करना है, 37 का एंगल याद नहीं करना, साइन 53 देख ले यार, साइन 53 4/5, कोस 53 3/5, टेन 53 4/3, अरे बात समझ रहा है, यही इस प्रश्न में एप्लीकेशन है, क्लियर। तो प्लीज 53 और अच्छा एग्जाम में ये आएगा रे, ये भी सुन ले गांठ मान ले, 52 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा, एग्जाम का लेवल होता है एक। ओके इसको मिटाऊं, अब मैं आता हूं क्वेश्चन के अंदर, आओ भाई प्रश्न के अंदर आ जाओ। अब आप देखो खुद पकड़ो, देखो डियर इस डायग्राम को इधर देख, ये लेंथ कितनी है 5, मैं कलर चेंज कर तेरे लिए, ये कितनी है देख 5, ये कितनी है 3, तो भाई ये 5 और 3 के बीच एंगल कितना है 53 डिग्री, ये तेरे 5 और 4 के बीच का एंगल कितना होगा 37 डिग्री, ये एंगल टोटल कितना है 90, तो कॉमन सेंस की बात 53 है, ये 90 है, ये 90 है, तो इसमें तो कितना बच गया, ये 37, और यहां कितना बच गया 53, बस उसके बाद कंपोनेंट तोड़ने हैं, इक्विलिब्रियम निकालना है, बोल यहां तक क्लियर हो गया, बात रोक दूं यहां तक, ओके थैंक यू। ओके डियर अब इसको मैं अप्लाई करता हूं, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल एक्सिस बाय टू स्ट्रिंग पी ए एंड QA of length 3L and 4L, this, an angular speed omega, tensor string is T1 and T2. अगला साफ कहता, देखो M द्रव्यमान का कण है, दो रस्सी, एक PA रस्सी, एक QA रस्सी जोड़ा गया, जिसकी लंबाई 3L, 4L है, PQ का मान 5L है, इस कण को PQ के अक्ष, PQ के सापेक्ष, ऐसे है ये मान लो ऐसे, देखो ऐसे इसके सापेक्ष ऐसे घुमाना है, घुमाने का मतलब MR omega square, हेलो बच्चे MR, तो इस पे बाहर की ओर क्या फोर्स लगेगा MR ओमेगा स्क्वायर, घूमना ना ऐसे, देखो ऐसे शुरू करें, बस आ जाओ कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, कलर पर रेड कर ले समझने के लिए, आ जाए वीडियो इधर देख, MG किधर नीचे की ओर, ये कौन है T1, ये एंगल कितना रहा है 53 है ना, ये 53 है, तो ये कितना तेरा 37 डिग्री, ये एंगल कितना तेरा साफ साफ है 37 डिग्री, तो ये कितना रहा है 53 डिग्री, बस। अब देख लड़के इसको इधर तोड़ेगा तो ये T1, ये 37 है तो T1 cos 37, और इसको इधर तोड़ेगा तो क्या आएगा, ये थोड़ा बड़ा करते समझने में, T1 sin 37, सॉरी cos, सॉरी ये cos है और ये sin है, ओके ना, दिस इज T1 sin 37 और ये T1 cos 37। अब इस पे आ जा, इस पे तू आएगा तो नीचे की ओर क्या है भैया T2 sin 53, और इधर लेगा कलर चेंज कर ले तो दूसरा क्या आ जाएगा तेरा T2 cos 53, बस। अब देख इधर क्या फोर्स है T1 cos 37 और T2 cos 53, वो किसको बैलेंस करेगा MR ओमेगा स्क्वायर को। इधर MG किधर है नीचे की ओर, T2 sin 53 किधर है नीचे की ओर, वो किसको बैलेंस करेगा T1 cos 37 को, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको अब दोस्तों अपन बढ़ाते हैं इक्वेशन, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान से देखें, T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उस पे जाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, MG प्लस T2 sin 53 इक्वल टू क्या है T1
कोस, सॉरी साइन टी वन साइन 37 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आदमी कर देता है, मैं आराम से कर रहा हूं आपके लिए, बस कंपोनेंट तोड़ दिए दोस्तों, घूम रहा है ना, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर तो बाहर की ओर है, इससे बैलेंस हो रहे हैं, इससे बैलेंस हो रहा है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब तू जानता भाई साइन 37 क्या होता है, साइन 53 क्या होता है, एक मिनट आगे पेज निकाल आ जाओ, अब तो खुद जानता है, तेरे सामने सामने कहने की बात ही नहीं है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल तेरा क्या है 53 डिग्री है, बस इसकी हेल्प से कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आ जा T1, लड़के लिख T1 cos 37 क्या होगा, cos 37 ए यहां चल, ये है तेरा 37, ये 37 है ना, तो इसका cos बनाएगा, तो cos क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन है इसका 4, तो दोस्तों ये होगा 4/5 बोल आया ना। आगे क्या है T2 cos 53, इस पे आ, cos 53 क्या होगा 3/5 इक्वल टू क्या है डियर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इधर आ, एमजी तो एमजी है प्लस T2 साइन 53, आ जा यहां जा, क्या है साइन 53 4/5 इक्वल टू क्या है T1 साइन 37 इधर चल, साइन क्या होगा 3/5 ओके डियर, ये तेरा क्या आ गया 3/5, ये तेरे सामने दो इक्वेशन आ गई ओके। अब जरा क्वेश्चन में वापस आए, अब दोस्तों अगला साहब कहता है कि आपको लेंथ दी हुई है 3-4 सब ले दिया, अब अगला कहता है कि कर्ण पी क्यू किसके ऊपर घुमाता है, तो T1 T2 तब इक्वेशन आपको बनानी है, आओ वापस क्वेश्चन में आ जाओ। तो भैया क्वेश्चन को सोल्व करें तो देख तेरे सामने सामने है, ये क्या है रे 4T1/5 प्लस 3T2/5 इक्वल टू क्या है MR ओमेगा स्क्वायर, और ये तेरा क्या है भैया MG प्लस 4T2/5 इक्वल टू 3T1/5 ठीक है डियर। तो ये हमारी यहां तक की इक्वेशन हो गई, अब दोस्तों इन इक्वेशंस को अपन सोल्व करेंगे, आंसर आना, अब हमारी इसमें जो अगला कहता है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल देंगे। तो आप देखो ये 12m ओमेगा स्क्वायर एल है, नीचे आ भैया आगे चल, वो देखो यहां 5 आप ले तो ये 4 और 3 तो 4T1 + 3T2 5mR ओमेगा स्क्वायर आंसर में आना भैया। तो आप देखें, हाँ डियर पेज खाली करना एक बार, देखो ये आ गया ना 4T1/5 + 3T2/5mR ओमेगा स्क्वायर, अब मेरे पास R नहीं है तो R देखना ध्यान से देखना, R क्वेश्चन माना भैया R ये डियर, ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस क्या 3L तो ये 37 है, तो R क्या है 3L cos 37, हेलो R क्या है भैया R है 3L cos 37 क्लियर, पेज खाली कर। तो दोस्तों R की जो वैल्यू है अब इनको मैं मिटा देता हूं, ये सारा काम मेरा हो चुका, इन सब को मैं मिटा दूं, ये सब मेरा हो चुका है, मुझे इनकी कहीं जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 5 4T1/5 + 3T2/5 m ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज R, R क्या था 3, L तो L ही था, सब जगह L कट गया था, मल्टीप्लाई क्या था cos, क्वेश्चन दिखाना एक मिनट, cos दिखा, क्वेश्चन दिखा, ये रहा ये एंगल कितना था हमारा, ये 53 37, तो 3L cos 37 आ जा, 3L cos 37 आ जा, 37 cos 37 मतलब है 4/5 दोस्तों, ये आपका 4/5, ऐसा कर 5-5 तो काट दे, तो ये तेरा 4T1 + 3T2 = 12m ओमेगा स्क्वायर। आ भैया आंसर निकालना एक मिनट, ये देखिए आ गया 4T1 + 3T2 = 12m ओमेगा स्क्वायर L, L से मल्टीप्लाई कर दे, मैंने L को एक मान लिया, खास नहीं फर्क पड़ा, तो आपका दोस्तों ये आ गया थर्ड आंसर ठीक है। अब इसमें आंसर कई है, वापस क्वेश्चन में आओ, और एक इक्वेशन आपकी क्या है भैया MG = 4T2/5 = 3T1/5, आप क्वेश्चन में आए बेटा जी, M की वैल्यू इसमें दी हुई है निश्चित रूप से, M द्रव्यमान का कण है, G आपका टेंशन दोस्तों, तो MG रूप में आए, वापस आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ, तो आप G का मान पुट कर दो, कितना है 10m ओके डियर, 10m हो ना, तो वही बात है, आप इसका देखो उसको उधर ले जाओ, MG = 3T1/5 - क्या भाई 40/5, ये 5 इधर आ जाएगा तेरे सामने सामने, तो 5
इक्लूड क्या हो गया, 3T1 - 4T2, आंसर माना भैया, 3T1 - 4T2 5 mg, ओके। मानता हूँ इसमें टाइम लगा 5-6 मिनट का, बट इसमें मेरी बहुत सारी बातें हैं। ये 53 डिग्री क्या है, 37 डिग्री क्या है, कंपोनेंट क्या है, ओके आंसर आ गया, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट याद करो कल हम सब कहानी कर चुके, AC 0, AT 0, AC ≠ 0, AT 0, AC = 0, AT ≠ 0, AC ≠ 0, AT ≠ 0, वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन अबाउट ओरिजिन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। इक्वल एरिया, देखो इसका मतलब ये डियर कि ये कोई पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है, ये फिक्स इसी रास्ते पे घूम रहा है, इसी रास्ते पे घूम रहा है, इसका मतलब है भैया इसका वेग तो कभी नियत हो नहीं सकता। वेग तो आप इधर देखो, एक तो गांठ मान लो, सर्कुलर पथ पे वेलोसिटी कभी नियत नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहे संख्या बदले चाहे डायरेक्शन बदले संख्या, तो वेलोसिटी तो कभी नियत, चाल कांस्टेंट, बिल्कुल। स्पीड क्या है, कांस्टेंट, कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो खेल बिगड़ जाएगा। अगला है त्वरण नियत, त्वरण नियत कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी। स्पर्शरेख त्वरण नियत है, एक्चुअल में दोस्तों यहां जो टेंजेंट एक्सेलरेशन है ना रियल में, वो AT = 0 है। एक्चुअल में दोस्तों AT = वो 0 है, ध्यान रखना चीज का, वो 0 है। वो 0 अपने आप में क्या है कि कांस्टेंट है, बस कन्फर्म मत होना, रियल में AT 0 है। यहां पर AT 0 होने का मतलब ये है कि वो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड और फोर्थ, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 34, बेस्ट फॉर नीट्स, भगवान ने चाहा 26 जुलाई 2020 वार आए। देखो डियर सुन ध्यान से, आप जब भी सड़क पे चल रहे हो, मोड़ आई आप मुड़े, जैसे मुड़ोगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कौन देगा, म्यू एम जी। आपको सेफ निकलने के लिए m² / r चाहिए, देने वाला कौन है, म्यू एम जी। तो जो देने वाला है वो तेरे से बड़ा होगा तभी सुरक्षित है तू, अभी तेरे को देने वाला तेरे से छोटा हो गया तो तेरी सुरक्षा क्या करेगा, देने वाला तेरे से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों यहां एक ही बात याद रखो, म्यू एम जी इक्वल टू हो सकता है वो m² / r होना चाहिए, बस सीधी सी बात ही है इसमें। यदि मैं इसको ऐसे ढंग से करूं, ये मोड़ है, ये सड़क है, ये मान लो आपकी गाड़ी है, तो आप जानते हो एम जी किधर है, नीचे की ओर, आर ऊपर की ओर, कोई दिक्कत नहीं, ये मुड़ गई तो ये म्यू एम जी है, इधर आपका m² / r, ये तो फिजिक्स है, इसको इसको बैलेंस कर देगी, इसको बैलेंस करेगी। पर देने वाला कौन है, म्यू एम जी, देने वाला लेने वाले से बड़ा होता भैया, बस अब सॉरी एम से एम कैंसिल आउट कर दे तो इतना क्या बचा, म्यू जी इक्वल टू ग्रेटर देन आर जी, तो तेरे सामने सामने ये क्या हो गया, म्यू आर जी, तो रूट कर दे, रूट म्यू आर जी, ये रहा रूट म्यू आर जी। कन्फ्यूज मत हो रहा है, म्यू एम जी देने वाला है, वो तुझे सेफ्टी दे रहा है, वो तेरे m² / r से, यानी तेरे सेंट्रिपिटल अभिकेंद्रीय बल से बड़ा होगा, देने वाला बड़ा होता है, बस फंडा है, ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, आ जाओ, ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर एक्शन ऑफ ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r, द स्पीड निकालनी है। दोस्तों f जो है वो r के इनवर्स है, अभी मैंने पहले क्वेश्चन क्या कहा, देने वाला सेट, अभी सर्कुलर मोशन करना है तो m² / r कोई देता है, यहां कौन दे रहा है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, दोस्तों आपको कांस्टेंट बना दो f = k / r, ठीक है। बस अब f क्या होता है, फोर्स, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तेरे सामने सामने k / r इक्वल टू, अब यहां mr² नहीं करेंगे, पर यहां करेंगे mrv², कारण क्योंकि हमें क्या पूछता है अगला, स्पीड, ये हमारी इच्छा नहीं है, दोस्तों अपन क्या कहेंगे m r, ये करेंगे mv² / r, r से r कैंसिल आउट कर दो, तो दोस्तों v इक्वल टू है √k/m, तो कहता r, दोस्तों ये r पर निर्भर ही नहीं कर रहा, आप देखो इसमें r कहीं आ ही नहीं रहा है, क्लियर, ध्यान सुनना, f एक फोर्स है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जो सर्कुलर मोशन करवाएगा, तो f = k / r, k इज कांस्टेंट। अब दोस्तों इसको मैंने m² / r की कुल क्यों किया, क्योंकि मुझे अगर क्या पूछ रहा है, स्पीड, यदि मुझसे ओमेगा पूछता तो मैं इसको mr² करता भैया, ध्यान ना हो इस आपने मेरे हाथ में नहीं है ये, ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 36, यार क्वेश्चन का बड़ा मजा आ रहा है यार, शानदार बेसिक क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है,
टू कार ऑफ मास एम वन एम टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर वन आर टू रिस्पेक्टिवली देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्किल इन सेम टाइम टी रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. देखो दोस्तों साफ कहता है दे मेक कंप्लीट सर्किल इन सेम टाइम. इसका मतलब दोस्तों ओमेगा इक्वल टू टू पाई टी. जब टी सेम है इसका मतलब यहाँ ओमेगा सेम है. आपको क्या पूछता है रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. हेलो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है याद है क्या एसी क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो एम गायब करते हैं यहां से तो दोस्तों एसी क्या है आर ओमेगा स्क्वायर. दोस्तों इक्वेशन वन बना लो इक्वेशन टू बना लो एक से दो डिवाइड कर दो ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो साफ साफ पता लग गया ना यार ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू. ठीक है डियर ए टी. तो अगला क्या पूछा है रेशियो पूछा है ये लो आर वन रेशियो आर टू. खैर दिक्कत नहीं है. देखो दोस्तों कंप्लीट एक चक्कर लगाने का समय कॉन्स्टेंट है टी कॉन्स्टेंट है टू पाई कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया बस एसी. अब ये शब्द आप बता दिए मैं एक एसी होता है एक एटी होता है ये सब बातें हो चुकी. एसी क्या होता है मैंने पूरा लिखा एम आर ओमेगा स्क्वायर का एम उठा देंगे अपन तो क्या बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर ताकि आपको फायदा हो जाए. मतलब मेरे को ध्यान था लेकिन मैंने कहा कि उसको पूरा लिखा आपके लिए बस ए वन बटे ए टू इक्वल टू आर वन बटे आर टू. ओके थैंक यू. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 लो पहले क्वेश्चन पढ़ लो. टू स्प्रिंग एक्स एंड वाई बना स्प्रिंग बना एक्स एंड वाई एक स्प्रिंग अक्ष ये एक्स है ये वाई है. अगला साफ कहता भैया के एक्स इक्वल टू टू के वाई यानी कहने का मतलब है इसका यदि दो है के है तो इसका एक के है. पहले पढ़ेगी. अब वो कहता है दोस्तों बोथ स्प्रिंग आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स टू इक्वल सेम फोर्स से इनको खींचा जाए. तो देखो ध्यान दो स्प्रिंग है ना इनको ऐसे खींचेंगे तो वर्क करना होगा. वर्क कहां स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी. कहां होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी. इसके दोस्तों सुनना यहां देखो ध्यान सुनना इसका फॉर्मूला होता सबसे पहले फॉर्मूला होता U इक्वल टू एफ डॉट एक्स बाई टू एफ डॉट एक्स बाई टू. अब तू जानता एफ इक्वल टू क्या है कि एक्स चेंज करना है तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. अब तेरे को मान ले एक्स गायब करना है तो एफ अपॉन के करेगा तो एफ अपॉन के करेगा तो एफ स्क्वायर अपॉन क्या आएगा टू के. अब ये तेरे मेरे हाथ में नहीं है. देख भाई तू इस एनर्जी को स्टोर करता है वर्क करता है तो एनर्जी स्टोर होती है. यू इक्वल टू एफ एक्स बाई टू यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर यू इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई टू के. एक जगह एफ एक्स आया है एक जगह के एक्स आया एक जगह एफ फोर के आया. अब अगला साफ साफ कहता है भैया जी फोर्स क्या है सेम है के का रेशियो दिया है तो तेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. बता हाँ या ना कि जो चीज कॉन्स्टेंट है उसका आना बहुत जरूरी है. ठीक है डियर ओके. अब आप इक्वेशन वन बनाए मैं पूरा कर दूं इसके यू वन लगाओ एफ के पीछे वन टू नहीं आएगा और के पीछे वन लगाओ. इसके दोस्तों यू टू लगाओ एफ के पीछे फिर कोई यू टू नहीं आएगा इसके तो टू के टू लगा. एक को दो से डिवाइड कर इसको एक काम कर यू वन अपॉन यू टू बराबर क्या हो गया के टू अपॉन के वन. इसको तो एक काम कर यू एक्स कह दे इसको तो यू वाई कह दे. ये तेरा कौन हो गया के वाई ये तेरा कौन है के एक्स. तेरे को नहीं पता के एक्स तो तू के एक्स लिख दे सॉरी के एक्स की क्या लिख दे टू के वाई सॉरी के एक्स ना है वहां टू के वाई लिख दे और के वाई को के वाई लिख दे. ये तेरा कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया भाई वन बाई टू. तो वन बाई टू का मतलब क्या हो गया सिंपल सी बात है रेशियो. तो वाई में संचित ऊर्जा ये ले ये देखे रे यू एक्स अपॉन यू वाई इक्वल टू क्या है वन बाई टू. तो यू वाई की संचित ऊर्जा क्या है टू यू एक्स यानी इसकी डबल कर दे तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई तेरा टू यू आ गया. क्लियर देख अपने ये है देखो एग्जाम मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं. ओके थैंक यू. दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है पता नहीं कहाँ से आ गया ये तो क्वेश्चन 1D का देखा जाए तो 2D का मान सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है. तो भाई देखो एच ऊंचाई की एक मीटर से मीटर निकल सर यार एक मीनार है. A heavy stone is thrown from a cliff of height h with the speed v. The stone will hit the ground with the maximum speed of. इतना हिंदी गड़बड़ है. इसका अर्थ ये है यार कि h ऊंचाई की कोई हाइट है वहां से पत्थर फेंके ऐसे फेंके ऐसे फेंके दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता किससे फेंक दो चाहिए वो डिपेंड केवल h पे करता है. इसका आंसर है फोर्थ कि द स्पीड डजेंट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन. कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों क्योंकि यहाँ एम जी एच इक्वल टू हाफ एम यू से कन्वर्ट होना भैया सारा खेल किसका है हाइट का है. हाइट
उस मीनार की अलग अलग नहीं है। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एग्जाम में तो नहीं आ सकता, क्लियर है, लेकिन इसको करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये मान के चलो कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ, आप एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं आपको एक ये सिखाता हूँ कि स्टेबिलिटी चेक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम चेक कैसे होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम तीन प्रकार का होता है, एक होता स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था और उदासीन साम्यावस्था। ओके डियर, आ जाओ पेज खाली करें, मैं इस क्वेश्चन से बाहर खड़ा हूं एक बार, आप एक बात ध्यान से देखना। ये दोस्तों इधर आपका अक्ष है, इधर आपका यू है, ठीक है डियर। अपन जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, डी यू अपॉन डी एक्स, चिन्ह होता माइनस का, खास बात उसका मुद्दा नहीं है। देखो दोस्तों एक गेंद यहां रखी हुई, ध्यान दे क्लास, यदि एक गेंद में यहां रख दूं, एक गेंद में यहां रख दूं और एक गेंद में यहां रख दूं, यह भी रखी हुई है इक्विलिब्रियम है, यह भी रखी हुई है इक्विलिब्रियम है, वो भी रखी हुई है इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या होती है, एफ इक्वल टू जीरो। हेलो, कोई वस्तु साम्यावस्था में है इसका मतलब उस पर अप्लाइड रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो। इसका मतलब एफ इक्वल टू जीरो, और एफ इक्वल टू जीरो का मतलब तेरे सामने सामने है, यदि कहीं यू दिया एक्स दिया हो तो उसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दो, ये इसकी साम्यावस्था की चेकिंग है। हमें नहीं पता वो अनस्टेबल है स्टेबल है, दिस इज टेस्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी, यस। अब दोस्तों मुझे बताना है कि इसमें कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों आप थोड़ा छेड़ो इनको, यदि इस ये पार्ट पे गेंद बैठी है ना, इसको मैं यहां थोड़ा सा ले आऊं तो क्या करेगी, रही गिर जाएगी। इसका मतलब स्टेबल तो था पर थोड़ा छेड़छाड़ की गायब हो गया, नहीं कुछ बच्चे नहीं होते हैं क्या, पढ़ाई तो कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर डीजे बजा गायब, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो दोस्तों ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये खड्डे में बैठा, यहां लेके जा वापस आ जाएगा, यहां लेके जा वापस आए, बाहर डीजे बजे चाहे कोरोना आए, जो पढ़ने वाले हो पढ़ाई करेंगे, मोहित आ रहे हो पढ़ाई करनी ही करनी है अपने, आज पहले पढ़ाई करनी करनी है अपने। और ये दोस्तों यहां से उठा के यहां रख दो, यहां से उठा के यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डियर ये है, इसका नाम है स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज सॉरी उल्टा बोल दिया, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था और उदासीन साम्यावस्था। इसको चेक कैसे करें, तो यहां एक स्लोप खींचते हैं, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव, यानी आप यदि इस यू का अक्ष के सापेक्ष एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और यदि वो संख्या नेगेटिव आ गई, ओ मेरे दोस्त, तो क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य अवस्था। और यदि दोस्तों इसको सेकंड बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये संख्या पॉजिटिव आ गई तो क्या हो गया, स्टेबल। तो इसको मैं पी बिंदु कह दूं, ये क्यू बिंदु कह दूं, तो ये पी बिंदु के लिए है, ये क्यू बिंदु के लिए है। और दोस्तों यदि मैं इसको एक बार वापस से डिफरेंशिएट कर दूं और फिर जीरो आ गया तो ये दोस्तों इसको आर पॉइंट कहूं तो ये आर पॉइंट के लिए है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं आपके साथ, एग्जाम आएगा ये एग्जाम आ सकता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अस्थायी साम्यावस्था, ये स्थायी साम्यावस्था, वो उदासीन साम्यावस्था। किससे चेक करेंगे, यू को दो बार डिफरेंशिएशन करके, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बोलो हाँ या ना। अब एक बात ध्यान सुनना, थोड़ा सा आगे बात को जोड़ दूं यहीं दोस्तों, जहां सेकंड स्टेप करने के बाद यदि आंसर नेगेटिव में आ गया तो वहां यू होगा मैक्सिमम, सुन ले, वहां यू क्या होगा, मैक्सिमम, सुन ले भाई, मैं कलर चेंज करते रहिए, वहां दोस्तों यू है मैक्सिमम, तो तेरे सामने सामने के क्या होगा, मिनिमम। ये मेरे प्रश्न में आ रहा हूं अब, क्योंकि तू जानता है यू और के का सम क्या होता है, कांस्टेंट, भूल गया क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और दोस्तों जहां ये प्लस आता है वहां दोस्तों यू क्या होगा, मिनिमम, तो तेरा के क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे क्वेश्चन पूछता ना कण की अधिकतम चाल क्या है, तो मैक्सिमम चाल कहां होगी भैया, जाके मैक्सिमम है, मुझे उस पॉइंट पे आना है, बोल हाँ या ना, क्लियर, ओके थैंक यू। अब मैं दोस्तों क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक केजी का मास है वो यू, ये यू बोल दो इसको यू, इसमें ये जूल में ये, वहां ये
अपना अच्छा ये SSM नहीं कर रहा भाई, इसमें कहीं नहीं लिखा SSM कर रहा है, पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है भैया 2 जूल, तो इसकी अधिकतम स्पीड निकालनी है। क्लियर? ओके डियर, जरा खाली करें इसको एक बार, अपने को याद है, याद है ना यू इक्वल टू क्या था भाई, एक्स 4/4 माइनस क्या था भाई एक्स स्क्वायर बाई 2। ये दोस्तों मेरा यू है, यानी यू का मतलब है जिस जगह पार्टिकल भ्रमण कर रहा है ना वहां की ये स्थितिज ऊर्जा है, इट्स ए पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सीधी सी बात है। कौन है? दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आ जा भैया, सबसे पहले आप इसका एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो 4x3/4 2x/2 ये कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, और अपने इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, इक्विलिब्रियम, हमें क्या चेक करना है फिर सेकंड स्टेप, तो इससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज x³ - x=0, x²-1=0। तो दोस्तों एक तो वैल्यू x की 0 आई है और एक x की वैल्यू है ±½। हाँ तो डियर आप क्या कह रहे हो, एक्स इक्वल टू 0 और x²=1, तो दोस्तों रूट में प्लस माइनस 1 हो गया। अब इसके तीन कंडीशन हो गई, x का मान 0 हो सकता है, x का मान +1 हो सकता है, x का मान -1 हो सकता है। अब हमें तो क्या चेक करना है, हमें तो सेकंड चेक करना है, क्यों हमें यू मिनिमा निकालना पड़ेगा ना, तो अपने आप क्यों ना जाएगा के मैक्सिमा। तो दोस्तों इसको आप एक बार फिर कर दो डिफरेंशिएट, तो फिर अपना करें डिफरेंशिएट, तो तेरे सामने सामने है ये क्या आ रहा है x³ - x, तो ना इसको करेंगे दोस्तों तो ये तेरा क्या है 3x²-1। ओके डियर, तो ये तेरा 3x² है ना सामने, ये तो ना x³ - x है ना, तो 3x²-1। ठीक है, अब दोस्तों आ जाओ अपने यहां थोड़ा कलर चेंज कर लें आपके लिए। अब आप देखो डियर, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1, यदि x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा प्लस, तो दोस्तों क्या आएगा ये 2, x की वैल्यू -1 पुट भी करूंगा तो भी क्या आएगा +2। बस पले पड़ रहा है, तो दोस्तों जहां ये मैक्सिमा है वहां यू मिनिमा है, और जहां ये मिनिमा है वहां यू मैक्सिमा है, यानी +2 पे, यानी x +1 पे और x -1 पे मेरा यू क्या है मिनिमा है, यू मिनिमा है वहां मेरा के क्या है मैक्सिमा है। आजा भैया आजा लड़के आजा, तेरे सामने सामने तो यू इक्वल टू क्या है x⁴/4 - x²/2। मुझे क्या चाहिए रे यू मिनिमा, तो यू मिनिमा के लिए क्या पुट करूंगा बता क्या पुट करूंगा, चाहे +1 पुट कर ले चाहे माइनस, तो +1 पुट कर ले तो 1/4 - 1/2, तो डियर कितना आ गया वैल्यू -½ - 1/4। अरे आधे में से पाओ गया तो कितना बच गया -1/4, ये तेरा मिनिमा, मिनिमा मतलब क्या होता है माइनस, ये तेरा कौन आ गया यू मिनिमम, तो यू मिनिमा कितना है -1/4। बस अब तू कहता काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन निकाल, टोटल एनर्जी क्या आ रहा है 2 जूल, आजा वापस आजा, इसका टोटल जोड़ कितना है भैया, अब खुद कह रहा है के प्लस यू का टोटल जूल कितना है 2 है, के तेरे को पता नहीं है, यू क्या है -(2). ओके डियर, तो तेरे सामने के 2+1/4, तो आजा देख ले भैया 1/4 ले ले 8/1, तो तेरे सामने के क्या आ गया भैया 9/4 आ गया। ओके डियर खाली कर पेज, खाली कर, के की वैल्यू 9/4 आ गई, ध्यान दे क्लास है, के की वैल्यू 9/4 आ गई, तो जहां यू मिनिमम होता है वहां के मैक्सिमा होता है, तो ये क्या होगा ½mv² = क्या होगी भाई 9/4। एम का मान क्या है क्वेश्चन में 1 kg है, इसको इससे काट दे तो दोस्तों वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है तेरी 9/2, बोला है ना, ठीक है ना। ओके तो दोस्तों वी की वैल्यू क्या आ गई 3/√2, देख आंसर क्या निकालना भैया, आंसर क्या दोस्तों 3/√2, बोला भाई चौथा आंसर। ओके थैंक यू डियर, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना, लेकिन देख एक पर्सन में हमने बहुत सारी बात लपेटी, इसलिए कहते हैं ना कि तू सारे CLC के पंच निकाल दे और मेरे साथ साथ चल दे और प्रीवियस पेपर देख ले, वीडियो सॉल्यूशन 150 नंबर का विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटी तो कुछ नहीं होती एग्जाम भाई। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 39 में जो आपको मैंने समय दिया ना उसका देखो अभी यहाँ चुटकियों हो जाएगा। अगला दोस्तों यू की वैल्यू देता है और आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस पूछता है, तो भाई कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंस करके, डिफरेंशिएट करके जीरो करके आर निकाल ले, तो आ जा भैया खाली कर ले, अगले निकाल ले,
अपने तेरे सामने सामने यू क्या है, ए अपॉन, बोलना जरा, आर स्क्वायर माइनस कुछ दिखाना बी अपॉन आर, आ जा वापस आ जा, ये लो जी बस। अब तू जानता है एफ इक्वल टू जीरो करना है, और एफ इक्वल टू तू जानता क्या होता है, डी यू बाई डी आर है। मैं तेरे ढंग से बात कर दूं, ये आर की पावर माइनस टू ऊपर ले जा, ये आर की पावर माइनस ऊपर ले जा, इसको फिर यू बोलना पड़ेगा ना एक बार, ऐसे ऐसे यू को मॉडिफाई कर ले। अभी तेरा डी यू बाई डी आर बना, तो देखिए दो नीचे आएगा, ये आर इसकी पावर क्या होगी माइनस थ्री, ये नीचे आएगा ये प्लस हो गया, ये तेरा बी क्या हो गया टू, इसको जीरो कर दे, किसके लिए स्टेबिलिटी के लिए बस, ओके। तो तेरे सामने क्या आ गया, टू ए अपॉन आर क्यूब प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये ले यार बहुत सिंपल है, टू ए आर क्यूब इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर, ये तेरा आर बचा, आर उधर ले जा दोस्त मेरे सामने, मेरे भाई उत्तर आ गया टू ए बाई बी, आंसर निकालना भैया, आर इक्वल टू टू ए बाई बी, ये आंसर आ गया। ये उस 39 का उपयोग है, पढ़िए पढ़ी, ओके थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 41, ये देखो दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लिया, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट यू इक्वल टू जीरो अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी ए यानी न्यूटन की गति के इक्वेशन काम आ जाएंगे। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल, टी समय में इसको कितनी पावर देनी है। देखो दोस्तों तो पावर की बात आते ही अपन जानते हैं डियर एफ डॉट वी होता है, और डॉट को कहीं उठाना हो तो अपन इसको बोलते हैं एफ वी कोस थीटा, एफ थीटा किसके बीच है एफ और वी, तो अपन जानते दोस्तों वी भी इधर है एफ भी इधर है, तो थीटा क्या है जीरो, तो ये कोस जीरो एक हो जाता है, लेकिन पूरी बात क्या होगी एफ वी कोस थीटा बस। अब तेरे को एफ का नहीं पता है, तेरे को v का नहीं पता है, तो v का तो पता मैं कर दूं तेरे को, ले v इक्वल टू क्या है u प्लस at, u क्या है जीरो, तो v का मान तो क्या है भैया at, क्लियर। उसके बाद f क्या होता है भूल गया क्या, ma, f क्या होगा ma बस लड़के, तो f का मान क्या है ma और v का मान क्या है at, ये तेरी वैल्यू होगी वन दोस्तों, क्या आ गया m a स्क्वायर t, देख m बॉडी कांस्टेंट a कॉन्स्टेंट, चलो क्या बचा दोस्तों टी, तो दोस्तों आपका जो सिंपली पावर है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो क्या जी, ए कार ऑफ मास 1250 केजी इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, इट्स इंजन डिलीवर्स 30 किलोवाट पावर व्हाइल रेजिस्टिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन है, सरफेस 750 न्यूटन, व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन बी गिवन। देख भाई सीधी सी बात है यार, ए देख ये तेरी एक कार है यार, ठीक है इस कार का मास है 1250 केजी, ये इधर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, पावर कितनी है 30 किलोवाट है दोस्तों, लेकिन 750 ध्यान दे क्लास है 750 न्यूटन का जो फोर्स है वो तो वेस्ट हो जाएगा बस, तो टोटल फोर्स में से 750 न्यूटन का फोर्स आपको माइनस करना है, तो टोटल फोर्स क्या है उसको निकालना हो तो मैं जानता हूं पी इक्वल टू क्या होता है एफ वी, तो दोस्तों एफ इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन वी, व्हाट इज पी 30 किलो, किलो का मतलब 30,000 अपॉन वी कितना रहे, अगला खुद कह रहा है भैया 30, ए लड़के इससे काट दे तो ये तेरा कितना है 1000, ये ले भैया 1000 न्यूटन का फोर्स तेरा लग रहा है, लेकिन 750 तो कहां खर्च हो गया ध्यान दे क्लास, 750 तो किस में खर्च हो गया फ्रिक्शन में, तेरे कितना काम आया दोस्त 250 काम आया बस, तो 250 काम आया तो F इक्वल टू जो एम ए है तो F की जगह 250 ही लेना है बस, M की वैल्यू क्या है 1250 मल्टीप्लाई A, A इधर ला 1250 में तो 250 का भाग देगा तो तू खुद जानता है कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ए नीचे आएगा सो नीचे आ रहा है ए उधर है तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 1/5, ये ले 1/5। मुद्दे की बात क्या है कि ये 750 कंटून का फोर्स है वो आपके कुल फोर्स में से माइनस करना है क्योंकि इंजन का एक हिस्सा फ्रिक्शन में खर्च हो रहा है, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 सिंपलेस्ट लेकिन नीट में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न करने का एक लॉजिक है, इसमें इक्वेशन वन बनती है इक्वेशन टू बनती है, जो वेरी करता उसके पीछे वन टू लगाते हैं और इक्वेशन वन में इक्वेशन टू से डिवाइड करते हैं, मेरा फंडा है जो बदलता उसके पीछे वन टू लगाओ और एक में दो का भाग टिकाओ। अब फिजिक्स में फॉर्मूले में तीन चीज आती है, एक वो है
जो बदलता है, एक वो जो आपसे बदलवाता है, एक वो जो कांस्टेंट होता है, ये तीनों चीज़ें फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। अब प्रो क्वेश्चन क्या है, टू बॉडीज हैविंग मासेज इन द रेशियो 1:4 हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1 द रेशियो ऑफ द लिनियर मोमेंटम। दोस्तों के एम और लिनियर मोमेंटम का रिश्ता तू जानता है, पी इक्वल टू होता है √2mE। दस देख भाई, अगर आप स्पष्ट कहता है लिनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है तो P1/P2 √M1E1/M2E2। तो तेरे लिए मैं थोड़ा ऐसे कर दूं इसको, M1/M2 E1/E2 थोड़ा सा तेरे लिए मॉडिफाई कर दिया, M1/M2 1/4 E1/M2 दोस्तों कट गया आपस में, रेशियो आ गया 1:1 1:1। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 44, सिंपल क्वेश्चन, थ्री बॉडीज ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1, M2, M3 कोमा भाई, ये M1, M2, M3 फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड द फ्रॉम सेम पॉइंट ओ अलोंग थ्री डिफरेंट फ्रिक्शन पाथ। ओ भाई यदि हाइट सेम है ना तो पाथ का वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, 1:1:1। सुन ले भाई, ये तो कॉमन बात है यार, बिल्कुल ओके। थैंक यू। हाँ डियर, आज के फोर्थ पंच का लास्ट क्वेश्चन 45, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आ जाओ। पावर सप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरी विथ P=3t²/2। हियर टी इज इन सेकेंड, दोस्तों टी के साथ पी है तो पी कॉन्स्टेंट तो नहीं हो सकता, तो याद मान लो दुनिया में दो चीज, एक तो टी कभी नेगेटिव नहीं होता है और एक टी कभी कॉन्स्टेंट नहीं होता है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टी 0 पे 0 है तो दोस्तों कहता T=2 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी। ओके डियर, आजा शुरू हो जा। देख भाई, पी बराबर क्या है तेरे सामने, 3t²/2। ओके, ये एक तरह पी का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अपन जानते हैं पी क्या होता है, dW/dt। मुझे वेग चाहिए, वेग चाहिए तो मुझे एनर्जी क्या चाहिए, काइनेटिक, काइनेटिक चाहिए तो मुझे कौन चाहिए, डब्ल्यू। ये सब दिमाग में मेरे बात चलते रहना चाहिए। आजा भैया, अब तेरे सामने है dW=p dt। भैया समाकलन कर दे, ठीक है डियर, इसका समाकलन कर दे। ये तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से W तक। ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 तक। मैंने कह रहा भाई dW तो क्या है, वर्क है, तो शुरू वर्क 0 है। क्यों वर्क 0 है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो सब कुछ 0 से सी बात है ही नहीं। अब आ जा भैया, तो इसको तो एक बोलते हैं ना ऐसे, तो dW एक है तो W हो गया। तो डियर इधर तो आपका W आ गया, इधर देख भैया P क्या है, तेरे लिए पूरा कर दूं, 0 to P क्या है, वो रहा 3t²/2 dt। अब इतना तो जानता ना, इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो t³/3 आएगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तेरा क्या बचेगा, t³/2 तो रहेगा। कहां से कहां, 0 से 2, अपर माइनस लोअर 0 है वो खत्म हो जाएगा। अब तू खुद देख, 2 की वैल्यू तू रखेगा 8/2, W क्या आ गया तेरा 4 आ गया भाई, 2³/8 हो गया ना, 8/2, W की वैल्यू 4 आ गई। ओके डियर, W तेरे सामने 4 आ गया, इसे बता दू, बस भूल गया क्या, W=∆K। व्हाट इज ∆K, के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या के इनिशियल 0, क्यों 0 हो रहा, t 0, वेग 0, तो दोस्तों के फाइनल यानी हाफ m²/2 W, कितना W 4, m कितना भाई 2 kg, तो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो गया, तो v का मान क्या आ गया, √4, क्या आ गया भैया, 2 m/s। तो दोस्तों v का मान क्या आ गया, 2 m/s। ओके थैंक यू। ओके दोस्तों, तो फिजिक्स के पूरे सिलेबस के हमने 20 टॉपिक बनाए, आज ये चौथा पंच यानी यूनिट से लेके हम लोग कहां तक पहुंच गए दोस्तों, वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर फोर्स पूरा कर दिया हमने। अब हम 5वें टॉपिक में कल आएंगे, आज 11 मई की रात 9:30 शूट को फाइनल कर रहा हूं और ये 12 मई की शाम तक आपके फेसबुक पेज पे आ जाएगी, आपके यूट्यूब पेज पे आ जाएगी। दोस्तों एक निवेदन करना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के टाइम मैं माफी चाहता हूं, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन रहा, हमने ऑफलाइन ज्यादा काम किया बच्चों के लिए, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन वीडियो बना के अपलोड कर दिए, ठीक है डियर, टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए फ्री ओपन कर दिया, DTS 2 के नाम पे नई टेस्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है डियर,
बच्चों की आवश्यकता देखते हुए एक मिनिमम कॉस्ट 10,000 रुपये पे क्रेश कोर्स स्टार्ट कर दिया। यदि कोई लड़का ये मानता 2020 का एग्जाम मेरे हाथ से निकल चुका था, लेकिन अब भी उसके पास मौका है 2021 के एग्जाम के। दोस्तों आज 11 मई है, एग्जाम 26 जुलाई को है, 75 दिन है। 2016 में दोस्तों पेपर आउट हुए थे, तब भी नीट का एग्जाम 24 जुलाई को हुआ था। क्यों पैनिक होते हो? मान लो पेपर आउट हो गए, आप में से कोई उसमें मानता है कि मैंने ट्वेल्थ किया है या मैं क्रेश कोर्स का हूँ, यार मेरे को पूरी तरह मनमस्ती की पढ़ाई नहीं की, तो तू सीएलसी का क्रेश कोर्स ज्वाइन कर ले। clclive.in पे जाके मात्र 10,000 फीस चार्ज तो करनी पड़ेगी, भूखे वजन ना होगा पाला। दोस्तों इस एडवर्स टाइम हम आपको इतना इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, उसके बदले मिनिमम चार्ज आपसे ले रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। TS आपकी फ्री है, CLC सीकर यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर का मैटर पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों आप पता है मैं डेली शाम 6:30 बजे CLC सीकर के फेसबुक पेज पे लाइव आता हूँ, आप मुझे वहाँ सुने। एक अपील भी करना चाहूँ दोस्तों आज आपसे, एक अपील, आप एक मेरा साथ भी दें, उससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन। आप हमने आज CLC सीकर के फेसबुक पेज पे एक हमारा जो आप फेसबुक का होता है ना फोटो फ्रेम चेंज किया है। मैं चाहता हूँ जो आदमी अपने आप को CLC का मेंबर मानता है, जो लगता है कि सामने खड़ा व्यक्ति 50 दिन से आपके लिए काम कर रहा है, तो एक अपील है कि आप सब लोग अपने फेसबुक पेज पे CLC की फ्रेम लगाएं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मिलेगा मोटिवेशन, मैं आपके लिए बेटर काम कर पाऊंगा। मैं डेली आता हूँ शाम 6:30 CLC सीकर फेसबुक पेज पे। दोस्तों आज 4 टॉपिक पूरे हो गए, 11 मई की शाम को आपसे बात कर रहा हूँ, कल 5वें टॉपिक शूटिंग करते हैं। ओके डियर, थैंक यू, जय CLC।